सो फॉर द बिगनर्स मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न। एक स्टेज होती है प्रीलिम्स, एक होती है मेंस स्टेज, एक होता है पर्सनालिटी टेस्ट। तीन स्टेजेस होती हैं इस एग्जाम की, तीन स्टेजेस होती हैं। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर्स आते हैं, जीएस एंड सी सेट। इस स्टेज पर स्क्रीनिंग होती है, जीएस का पेपर आता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं, और ऐसे यहां पर 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। जो पहला पेपर है जीएस का पेपर है जिसमें इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपके मार्क्स आएंगे 200 में से। यहां सी सेट है, इसमें एक मिनिमम कट ऑफ होती है। अगर वो कट ऑफ आप क्लियर नहीं करेंगे, भले ही यहां पर आपके 150 नंबर आ जाएं, आपको मेंस स्टेज में जाने नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर आपका जो मेन पेपर है वो जीएस पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग में होता है। आप जितना सही करते हैं, कुछ गलत करेंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग में आपके 1/3 नंबर कट जाते हैं। यहां पे स्क्रीनिंग हो जाती है, और यूजुअली हम देखते हैं कि एज पर स्टेटिस्टिक्स, जो यूपीएससी की रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, पुरानी रिपोर्ट्स हैं, उनके बेस पे कह रहे हैं, लगभग 10 लाख बच्चे या 9 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, फॉर्म भरते हैं, और जितने फॉर्म भरते हैं वो सारे के सारे एग्जाम में नहीं बैठते हैं। लगभग 4.5 लाख बच्चे बैठ जाते हैं इस एग्जाम में। उनमें से जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, प्रीलिम्स में बैठते हैं, उसमें वैकेंसी का 12 टाइम्स जाते हैं मेंस स्टेज पर। अगर 1,000 वैकेंसी निकली हैं, तो लगभग 12,000 बच्चे, 12,000 बच्चे जो हैं वो मेंस में जाएंगे। तो आप समझ लीजिए, 10 लाख फॉर्म भरे गए मोटे मोटे तौर पे, 5 लाख बच्चे बैठे हैं, तो 5 लाख में से सिर्फ 12,000 बच्चे मेंस में पहुंचते हैं। इसका मतलब है कॉम्पिटिशन कट थ्रोट है, टफ कॉम्पिटिशन है। अब यहां पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है आपने तैयारी मेंस की बहुत अच्छी कर रखी हो, लेकिन अगर प्रीलिम्स में ही आप रुक जाएंगे तो फिर आप मेंस नहीं लिख पाएंगे। तो यहां पर बहुत समझ के चलना पड़ता है। यहां क्लियर हो जाएंगे तो आप मेंस स्टेज पे पहुंच गए। मेंस यहां आपका जो पेपर होता है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। जब मेंस में पहुंचते हैं तब असली एग्जाम आपका शुरू होता है। जब मेंस स्टेज में पहुंच, अभी मैं इन सब पे आ जाऊंगा, हमने प्रीलिम्स दिया, हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, हम 5 लाख में से 12,000 बच्चों में, वैकेंसी का 12 गुना के आसपास, 12,000 बच्चों में हम पहुंच जाते हैं मेंस देने के लिए। अब हम मेंस में आते हैं। जब हम मेंस स्टेज में आते हैं तो यहां पर आपकी जो टेस्टिंग होती है वो अलग प्रकार से होती है। वो जो आपने पहले एमसीक्यूज दिए थे जिसमें से आपके सामने आंसर था, आपने आंसर रिकॉग्नाइज किया, वो रिकॉग्निशन का टेस्ट था, ये रिकॉल का टेस्ट है। यहां आपने आंसर देखे, सही आंसर जो आपको मिला वो आपने रिकॉग्नाइज कर दिया। अगला कोई एग्जाम जो आता है, पेपर स्टेज आती है, वो आपकी रिकॉल की स्टेज है। जो आपने पढ़ा है उसे आप रिकॉल करके वहां पर एनालाइज करके लिखेंगे। जब मेंस पे आते हैं तो इसमें एक पेपर होता है ऐसे का, 250 मार्क्स का। चार पेपर होते हैं जीएस के, GS1, GS2, GS3, GS4, ये चार पेपर होंगे आपके जनरल स्टडीज के। ऐसे का पेपर होगा, इसमें दो ऐसे आएंगे, आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे। एक टॉपिकल इश्यू पे आ जाता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर का आता है, एक जहां पर थोड़ा सा फिलोसफिकल एंगल होता है, एक ये पेपर हो जाएगा। चार पेपर जीएस के होंगे। जीएस में ये पेपर भी 250 नंबर का होगा, ये भी 250 का होगा, ये भी 250 का होगा, ये भी 250 का होगा। 1,000 नंबर का आपका जीएस का पेपर हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब GS1 में इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर हुआ करता है, वर्ल्ड हिस्ट्री होती है इसमें,
सोसाइटी होती है एंड वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी होती है। तो जो पेपर वन है इसमें हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इंडियन ज्योग्राफी भी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी, इंडियन हिस्ट्री भी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, इंडियन ज्योग्राफी भी, इंडियन सोसाइटी होगी। और इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर अब तक जो डेवलपमेंट हुए हैं उस पे ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड लिमिट होगी, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 12.5 नंबर का क्वेश्चन होगा, या 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, या तो 150 वर्ड का होगा, या 200 वर्ड का होगा, या 250 वर्ड का होगा। टोटल जो आपके वर्ड्स हैं वो लगभग 4,000 वर्ड्स होते हैं। मतलब ये 250 नंबर का पेपर है, आपको 4,000 वर्ड्स लिखते हैं और 3 घंटे का आपको समय मिलता है एक क्वेश्चन लिखने का, एक आंसर लिखने का। 3 कैटेगरी में आने लगे हैं, 10 नंबर, 12.5 नंबर और 15 नंबर। 250 वर्ड्स, 150-200 वर्ड्स और 150 वर्ड्स, ये पेपर होता है। दूसरे पेपर में इंडियन पॉलिटी मेजर पार्ट होता है, दूसरे पेपर में इंडियन पॉलिटी आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स आ जाते हैं, सोशल जस्टिस, जो वेलफेयर ऑफ द पीपल होता है वो आ जाता है, और इसमें गवर्नेंस आ जाती है। तो इंडियन पॉलिटी का एप्लीकेशन पार्ट आप समझ लीजिए गवर्नेंस हो जाती है, उसी के साथ इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाता है और सोशल जस्टिस भी आ जाता है। ये पेपर 250 नंबर का होता है। पेपर 3 इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसके साथ इंटरनल सिक्योरिटी आ जाती है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आ जाती है, साइंस एंड टेक आ जाती है, और इंटरनल सिक्योरिटी आ जाती है। तो वहां इंडियन इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के साथ, 4 छोटे छोटे टॉपिक और होते हैं। गवर्नेंस होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होती है, साइंस एंड टेक होता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी होती है। माना जाता है पेपर काफी स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि जो बाकी छोटे छोटे टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, वहां पर आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ये पेपर 3 थोड़ा अच्छा माना जाता है, स्कोरिंग माना जाता है। पेपर 4 इथिक्स का पेपर होता है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये पेपर होता है। यहाँ पर आपको इथिक्स के बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं और केस स्टडीज आती है। ये चारों पेपर 1,000 नंबर के हो जाते हैं, इनमें अपियर करते हैं। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, अगले दिन 2 पेपर होते हैं। आपको 2 दिन में 4,000 4,000 4,000 4,000, 8 दूरी 16,000 वर्ड लिखने होते हैं, जो 1,000 नंबर के होते हैं। ये 4 GS के पेपर होते हैं। जीएस के पेपर के बाद फिर आपका जो थर्ड होता है वो होता है ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑप्शनल होता है, जिसमें कोई भी ऑप्शनल आप ले लीजिए, उसका पेपर 1 उस पेपर की, उस सब्जेक्ट की जो थ्योरी थ्योरी होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं उस पे होता है। पेपर 2 हमेशा उसकी जो एप्लीकेशन पार्ट होता है उस पे होता है। तो ये 500 नंबर का एक ऑप्शनल हो जाता है। ऑप्शनल आपको चुनना पड़ता है, जो पॉपुलर ऑप्शनल्स होते हैं लोग वो चुन लेते हैं, या जिसमें ग्रेजुएशन की हुई होती है वो चुन लेते हैं। अब अगर हम इन नंबरों को देखें तो 1,000, 250 और ये टोटल मार्क्स हमारे हो जाते हैं 1,750। ये हमारे मेन्स स्टेज के 1,750 मार्क्स हो जाते हैं। इसमें से हमको एक पर्टिकुलर स्कोर लाना पड़ता है, तब हम पहुंचते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू जनरली कह देते हैं। यूपीएससी इसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहता है, जनरली हम लोग इसे इंटरव्यू कह देते हैं। और इंटरव्यू का एक सिलेबस होता है, यूपीएससी ने इंटरव्यू का सिलेबस लिखा हुआ है। वहां पर एम्पैथी है, आपकी सेंसिटिविटी है, सोशल सेंसिटिविटी है, एनालिटिकल रीजनिंग है, न्यूट्रैलिटी है, वो सारी चीजें वहां पर लिखी हुई होती है। उसी में आपको एक पैनल होता है जो टेस्ट करता है। 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। ये पूरा एग्जाम का एक सिनेरियो होता है, जब मार्क्स वाइज प्रीलिम्स स्टेज, मेंस स्टेज एंड इंटरव्यू स्टेज, और अल्टीमेटली 10 लाख बच्चों में से जाकर अल्टीमेटली 1,000 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो ये पूरे एग्जाम का पैटर्न होता है। इस पूरे पैटर्न में ओवर द इयर्स वी हैव सीन द प्रीलिम्स स्टेज हैज बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं, जो तैयारी कर चुके हैं, मेरे संपर्क में रहते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। दे आर वेरी वेरी गुड एट एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका एनालिसिस बहुत अच्छा है, अच्छे आंसर्स लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है। दे आर रेडी टू क्वालिफाई मेंस, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा, इन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो जाता है। तो प्रीलिम्स ओवर द इयर्स हैज बिकम अ बिट डाइसी, प्रीलिम्स थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी का लेवल प्रीलिम्स का बढ़ गया है। इस पूरे एग्जाम में जितना मेंस से तो बच्चे डरा ही करते थे, प्रीलिम्स से बच्चे ज्यादा डरने लगे हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में मोटे मोटे तौर पर एक
बेसिक लेवल की आपकी अगर पर्सनैलिटी है तो आपको 150 160 नंबर मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आपको सीधे वो 130 131 140 पकड़ा देंगे। तीन स्टेजेस में चलते हैं, वो हम बाद में बात कर लेंगे। तो ये पूरे एग्जाम का पैटर्न होता है, जहाँ पे आपको पहले बाजी मारनी है उन 200 नंबरों में जो प्रीलिम्स के होते हैं, उसके बाद आप मेंस में आएंगे, फिर आप इंटरव्यू में आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सो फार एवरीथिंग इज ओके? एनी क्वेरी सो फार? अभिनव, अनमोल आनंद, सौरभ वशिष्ठ, छोटी छोटी बातें हैं, इतनी आपको पता होंगी। श्रेया रानी, एनी प्रॉब्लम सो फार? एनी प्रॉब्लम विद लैंग्वेज? कहीं इंग्लिश, कहीं हिंदी, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हम बाइलिंगुअल में ही चलेंगे। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं कट ऑफ पर। देखिए, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, ये यूपीएससी का डेटा है, ये डेटा यूपीएससी का है, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी को हम एक बेंचमार्क मान लेते हैं, 88.22 कट ऑफ आई थी जनरल स्टडीज की पिछले साल, जीएस पेपर वन की, ये पिछले साल का डेटा है। ठीक है, 88.2, मतलब मोटे मोटे तौर पे देखें तो 100 में से आपको 45 क्वेश्चंस सही करने जरूरी होंगे। 100 में से आपको 45 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, दैट टू इन नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग में करने हैं। ठीक, आगे बढ़ते, अभी इस पे फिर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो 748 मेंस की कट ऑफ आई है, 748 मेंस मेंस की कट ऑफ है, मतलब आपको जो 1750 नंबर मैंने बताए थे, 1750 हैं जो मेंस के नंबर हैं, 1000 का जीएस, 250 का एसए और 500 नंबर का ऑप्शनल, इसमें से कम 750 तो लाना ही है ताकि आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाए। ठीक, वो फिर इंटरव्यू अलग हो जाता है, तो ये कट ऑफ है। और फाइनल लिस्ट आपकी 960 हो जाती है, फाइनल लिस्ट हो जाती है 960। ठीक, अब एक एक करके ले लेते हैं। अगर हम प्रीलिम्स पे बात करें तो प्रीलिम्स में जो मैंने देखा है, बहुत से स्टूडेंट्स आराम से 35 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन कर देते हैं, 75, 78, 84, 83 उनके मार्क्स आ जाते हैं, 83 से 89 करने में, 90 से 95 करने में, 95 से 105 करने में बहुत दिक्कत होती है। ज्योमेट्रिकल रिग्रेशन में नंबर बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में नंबर नहीं बढ़ते हैं। आप आराम से, आपने अगर बेसिक तैयारी की है तो आपके आराम से 80-82 नंबर तो आपके आराम से आ जाएंगे। आप अगर आप सीरियस हैं, आपने ठीक से तैयारी की है, तो आराम से समझिए कि आप 40 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन टच करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एकदम कर देंगे। लेकिन वो 5-7 क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन 5 क्वेश्चंस को बढ़ाना, इन 6 क्वेश्चंस को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस पर भी बात करेंगे अभी। तो ये सारा गेम जो है, ये 6 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस का है। उन 5 क्वेश्चंस को आपने गलत कर दिया, उन 5 क्वेश्चंस को आपने सही कर दिया, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और ये मान के चला जा रहा है कि सीसेट, इस साल सीसेट टफ आ गया। सीसेट इतना टफ नहीं आया जितना उसको लाइटली ले लिया जाता है। प्रॉब्लम सीसेट के साथ ये है कि सीसेट को बच्चे मान लेते हैं कि सिंस वी आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड तो वी आर बाउंड टू क्वालिफाई सीसेट, या कुछ लोग उसकी तैयारी भी करते हैं, वर्बल पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन टफ आ जाता है। बट अगर ये माना गया है, आपने पिछले साल के क्वेश्चंस देख लिए हैं, उनको समझ लिया है, तो आपको सीसेट में दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब सीसेट पे भी बहुत ध्यान देना जरूरी हो गया है। आपने जीएस में बहुत अच्छा स्कोर किया है, सीसेट आपका क्वालिफाई नहीं हुआ। ऐसे स्टूडेंट्स जो पिछले 2 साल पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, रैंक के साथ हुए हैं, इस साल भी रैंक के साथ हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स मेरे रहे हैं, मैंने देखे हैं, जिनके जीएस में एज हाई एज, मैं 2016-17 की बात बता रहा हूँ आपको, एज हाई एज 117 118 मार्क्स उनके आए थे, सी सेट में वो रह गए थे, उनका सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, अल्टीमेटली दे गॉट सिलेक्टेड, उनमें से एक इस साल सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सी सेट में अगर आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक प्रैक्टिस की है, सी सेट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जीएस पे दिक्कत आ जाती है, जीएस में 4-5 क्वेश्चंस की लड़ाई हमेशा रहती है। हम जो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमारी कोशिश, हमने फोकस इसीलिए किया है कि जो वो बच्चे जो एग्जाम देते आ रहे हैं या जो शुरू कर रहे हैं तैयारी, उनको वो 6-7 क्वेश्चंस की प्रॉब्लम ना आए, जितनी जल्दी मेंस लिख सकें उतना जल्दी अच्छा है। तो ये बात हो जाती है प्रीलिम्स की। मेंस की बात करते हैं तो 748 नंबर आपके आते हैं। अब आप मान लीजिए बॉर्डर पे आपने क्वालिफाई कर लिया,
आपने बॉर्डर पे क्वालिफाई किया, आपके 750 नंबर आ गए और आपको 140 नंबर मिलते हैं अगर उसमें, तो आपका सिलेक्शन या तो नहीं होगा, या 120 मिल जाते हैं, 130 मिल जाते हैं, आपको नीचे की जॉब मिल जाएगी, सिविल अकाउंट्स मिल जाएगी और तमाम नीचे की जॉब्स होती हैं। उन जॉब्स में जॉब मिलने की बात है तो ठीक है, लेकिन जो सिविल सर्विसेज की अच्छी जॉब्स होती हैं, आईएएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस सेंट्रल एक्साइज है और ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ये 6-7 सर्विसेज बहुत अच्छी मानी जाती हैं और इनके लिए ही सारी लड़ाई रहती, बाकी सर्विसेज बहुत सारी हैं, इन सारी सर्विसेज की लड़ाई रहती है। अगर आपको ऊपर जाना है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपको कम से कम आपको 850 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे, कट ऑफ से 60-70 नंबर ऊपर तो आपको होना ही होगा। अगर आप कट ऑफ से 60-70 नंबर ऊपर नहीं होंगे तो आपको सही नौकरी, सही सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। अगर मैं ये मान लूं कि आपको आपको 1050 नंबर चाहिए हैं और आपको 150 नंबर इंटरव्यू में मिल जाते हैं, मान लीजिए आपको 100 150 बहुत बेसिक स्कोर है, बहुत जनरल स्कोर है, मान लीजिए मैंने मान लिया परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, आपको 150 नंबर ही मिले, लेकिन मेंस में आपके अगर 900 हैं, 900 नंबर मेंस में आपके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको आराम से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब 900 नंबर मेंस में लाना आसान नहीं होता, मतलब आपके 150 ऐसे में आए, 250 में से 500 में से 300 आपके, अगर हम पीछे देखें, यहां पर देखें, यहां पर आपके कम से कम 150 आए, यहां पर आपके 1000 में से कम 450 आए और आपके इंटर यहां पर कम से कम 300 आए, मतलब जब ये हम आंकड़ा छुएंगे 300 ऑप्शनल में, 450 जीएस में और 150 ऐसे में, तब जाके कहीं हम 900 का स्कोर पा पाएंगे। अब ये तो एक जनरल बात मैंने कह दी, 900 का आंकड़ा टच करना आसान नहीं होता। पहले ऐसा हो जाता था कि 300 के ऊपर ऊपर आपके मार्क्स जीएस मेंस में आ जाते, इंटरव्यू इसमें ऑप्शनल में आ जाते थे, अब 275 280 मार्क्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। यहाँ 450 के ऊपर जिसके मार्क्स आते हैं वो जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, इवन 410 420 मार्क्स आते हैं, अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। किसी भी स्थिति में आपको 420 415 से कम मार्क्स नहीं चाहिए, मतलब आपको 110 मार्क्स एवरेज पे चारों पेपर्स में आपको चाहिए ही होंगे, 250 में से 110 मार्क्स आपके चारों पेपर में आने जरूरी हैं। अगर इस आंकड़े को आप छू पाते हैं तब जाके आपको अच्छी नौकरी, अच्छी सर्विसेज मिल पाएंगी। ये तो एक जनरल मैंने खाका आपको दे दिया इस एग्जाम का, इसके हिसाब से काम करना पड़ता है। अब जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं, अब सबसे बड़ी स्टेज हो जाती है मेंस, प्रीलिम्स तो अपने आप में डाइसी स्टेज है ही, मेंस का आंसर लिखते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि 750, 780, 730, 720 पे बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे। क्या फर्क है जिस बच्चे के 810 आ रहे हैं, जिस बच्चे के 720 आ रहे हैं, 70 नंबर में कहाँ फर्क हो जाता है या 20-30 नंबर में कहाँ फर्क हो जाता है? आप ये समझिए, जो मेंस का आंसर आप लिखते हैं उसको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, मेंस में जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या चाहते हैं। देखिए ऐसा है, ऐसे समझ लीजिए आप कि जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, जो आपके आंसर्स को चेक कर रहे हैं, उनके पास गाइडलाइंस तो होती होती हैं, बट जो आपसे आशा की जाती है वो ये कि जो मेंस के एग्जामिनर हैं, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, वो एक जज हैं, वो एक जज हैं, ठीक है। आप एक एडवोकेट हैं और एक केस को पेश कर रहे हैं, आप केस को आर्ग्यू कर रहे हैं जज के सामने, जज ने आपको एक प्रॉब्लम दी है, वो प्रॉब्लम आपका क्वेश्चन है, वो जो प्रॉब्लम है वो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपने जो भी उसमें पूछा गया है, एनालाइज कराया गया है, आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है, अगर वो आर्ग्यूमेंट सब्सटेंशिएट नहीं होगा, आपने जज साहब से कहा कि जम्मू कश्मीर का जो एब्रोगेशन है वो सही नहीं है, तो सीजीआई कह सकते हैं सही क्यों नहीं है, क्यों स्टेट लेजिस्लेचर स्वीकृति नहीं दे सकती कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया जाए, इसका आर्ग्यूमेंट दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में। आज जैसे आज बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, कल शुरू हुई है आर्टिकल 370 को लेके, तो अगर वकील साहब ने आर्ग्यूमेंट दिया है कि नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास अनुमति नहीं है, जो कश्मीर की संविधान सभा है उसी के पास अनुमति होती थी, तो इसका लॉजिक समझाइए, मतलब एग्जामिनर उस क्वेश्चन के जरिए आपका जो लॉजिकल माइंड है वो जानने की कोशिश कर रहा है। अगर वकील साहब ने कह दिया कि नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, असेंबली के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो
आर्ग्यूमेंट वो ये लॉजिक ये बात कह दे कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दीजिए, तो इसका कोई सपोर्ट तो दीजिए। तो वकील को अपना मुकदमा सिद्ध करने के लिए, आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए उसको एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, प्रॉप्स देते हैं, वो ठोस ग्राउंड देते हैं जिस पे आपका आर्ग्यूमेंट स्टैंड हो सकता है। और जहां आपने सॉलिड आर्ग्यूमेंट दे दिए, आपने कहा यस मनरेगा में करप्शन है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, सीबीआई ईडी इस तरीके से फंक्शन कर रही है, मेरे पास ये केस है, ये केस है, ये केस है, इतने केसेस दर्ज हुए, मेरे पास डेटा है, मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे पास केस स्टडी है, मेरे पास टेबल है, मेरे पास ग्राफ है, जब मैं ये विजुअल्स ये एग्जाम्पल्स दे के अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करता हूँ, इफ माई आंसर इज वेल सब्सटेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज एग्जाम्पल्स एंड सपोर्ट सिस्टम्स, डेफिनेटली माई आर्ग्यूमेंट्स बिकम सॉलिडिफाइड एंड द एग्जामिनर एंड द जज साहब इज सेटिस्फाइड, आई एम अवॉर्डेड 5.5 मार्क्स आउट ऑफ 10, 10 में से मुझे 5.5 मार्क्स मिल जाते हैं, वरना मुझे वो 4.8, 4.5 पे छोड़ देंगे, 4 नंबर पे छोड़ देंगे। तो 4.5 से 5.5 नंबर का सफर इस पे होता है कि आपका आर्ग्यूमेंट कितना सॉलिड है। आप ये समझिए कि मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूं अपने आंसर्स में एग्जाम्पल देके, मेरा ये कह देना कि ये करप्शन बढ़ गया है, सफिशियंट नहीं है, करप्शन कैसे बढ़ गया है मुझे बताना है रिपोर्ट्स की मदद से, ग्राफ की मदद से, सब ऑथेंटिक रिपोर्ट्स की मदद से कि ऐसे में कह रहा हूं कि करप्शन बढ़ गया है। तो अगर इस प्रतिभा को आपने अपने अंदर ले लिया, आप अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने लगे, तो आपका मेंस का एग्जाम आराम से निकलेगा, अच्छे नंबर आपको आएंगे। ठीक है, ये पूरा सिस्टम डेवलप करने के लिए आपको एक स्टडी करनी पड़ती है, एक पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब उस पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम के मिसकंसेप्शंस, इस एग्जाम के मिसकंसेप्शंस जो काफी लोग अभी, अभिनव सिंह, अभी मैं सब सारे मिसकंसेप्शंस बता दूंगा आपको, आप लोग रेस करते जाइए, श्रेया मैं सब आपको रेस सब बता दूंगा आपको मिसकंसेप्शंस। पहला, एग्जाम इज टफ। पहला मिसकंसेप्शन, एग्जाम इज टफ, तो यहां पे मैं बोलूंगा यस एग्जाम इज टफ, ये मिसकंसेप्शन नहीं है। एग्जाम इज टफ ये मिसकंसेप्शन नहीं है, ये बिल्कुल सही है, एग्जाम टफ है। जितने बैठते हैं, जितने एग्जाम दे रहे हैं, उनमें तो अभी ना अभी बात कर लेंगे, हर चीज पे बात कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम टफ है, बिल्कुल सही, टफ है। जितने बच्चे बैठते हैं और जितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, उनमें बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, बहुत आसपास रहते हैं, उनका नंबर बहुत आसपास आया करते हैं, 0.63 नंबर से, 0.67 नंबर से, ऐसे बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, उनका प्रीलिम्स रुकता है, 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया है ना, कुछ नंबरों से। इस साल का सिलेक्शन बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति की 276 रैंक आई है, ही वॉज माई स्टूडेंट, मेरी कोचिंग से वो पढ़े हुए थे, और जिनकी 44th रैंक आई है, उनको मैंने इंटरव्यू की ट्रेनिंग दी थी, और दोनों के नंबरों में शायद 40-45 नंबर का फर्क है, लेकिन 200 रैंक का फर्क आ जाता है, 40 नंबर में 200 रैंक्स ट्रेवल कर जाती हैं। तो नंबर सभी बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं बहुत आसपास हुआ करते हैं, एग्जाम टफ है, बच्चों की प्रतिभा बहुत अच्छी है, सब आसपास हुआ करते हैं, इसलिए एग्जाम टफ हो जाता है। लेकिन एग्जाम को आसान बनाने के लिए जो आपकी अप्रोच है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, वो बहुत मैटर कर जाती है, वो बहुत मैटर करती है, जो आपकी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है वो बहुत मैटर करती है, अप्रोच मैटर करती है, आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। मेंस के लेवल पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, पढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन के जरिए बात करते जाएंगे। आपने सही पढ़ा है, पढ़ने के लिए बहुत सारा है इस एग्जाम में, पढ़ने के लिए बहुत सारा है, और जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गए तो फिर तो बेइंतहा है, बेइंतहा है, बेइंतहा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट काइंड ऑफ स्टडी चाहिए आपको, आपको राइट काइंड ऑफ स्टडी, राइट काइंड ऑफ नॉलेज दे दी गई हो, उस नॉलेज की एप्लीकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो जब मैं स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि जो मैंने अपने आंसर में चुन के लिखा है, कुछ भी नहीं लिख दिया है, आपसे पूछा गया है एक्स, आप बता रहे हैं जेड, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जो एप्लीकेशन है आपकी नॉलेज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन कैसे आएगी? एप्लीकेशन प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस से कैसे आएगी? आप
पहले समझेंगे, आपको पढ़ाया गया है, आपने सब्जेक्ट को समझा है, उस सब्जेक्ट की बारीकियां आपको आपके टीचर बताते हैं। किताबें तो सिविल सर्विसेज के हिसाब से गाइड्स लिखी जाती हैं, लेकिन जिस तरीके के डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप उन्हें अटेम्प्ट करते हैं, लिखते हैं, आपके टीचर उनको चेक करते हैं और बताते हैं कि जो चार एग्जाम्पल आपने दिए हैं इसमें से दो स्ट्रांग हैं, दो वीक हैं, अगर इसकी जगह ये एग्जाम्पल आप लिख देंगे तो आपका आंसर 4.5 वाला हो जाएगा। तो जो एप्लीकेशन के बाद जो प्रैक्टिस है, बार बार लिखने की प्रैक्टिस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है यहीं पर फर्क आ जाता है कि एग्जाम आपके लिए टफ है या एग्जाम आपके लिए इजी है। अगर आपने एम्पिल स्टडी करके एम्पिल प्रैक्टिस की है, आंसर्स लिखे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आपके नंबर अच्छे ना आए, अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन हो जाना है। योर प्रैक्टिस और परसीवियरेंस और पेशेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टफ है, वक्त लग जाता है, दो तीन अटेम्प्ट लग जाते हैं, आप प्रैक्टिस करते चले जाइए, इंप्रूवमेंट करते चले जाइए नंबरों को, देखिएगा नंबर जैसे जैसे इंप्रूवमेंट करते जाएंगे आपके नंबरों में निखार आता जाएगा। क्योंकि एग्जाम टफ है, लंबा है, इसमें पेशेंस बहुत चाहिए होता है, आपके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। एकदम इसमें बात नहीं बनती है, कई बार किसी किसी की बन भी जाती है, बट जिसकी बात बनती है, अगर ये कहा जाए कि पहले अटेम्प्ट में हो गया, दूसरे में हो गया, तो कहीं ना कहीं तैयारी पहले से कहीं चल रही होती है, जिसका अंजाम पहले अटेम्प्ट में दिख जाता है। और ऐसे भी हो सकता है कि पहली बार में किसी ने एग्जाम निकाल दिया, बट इन जनरल, क्योंकि मैं इंटरव्यू लेता हूं, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है 4 या 5 अटेम्प्ट का एवरेज निकल के आता है, 4-5 अटेम्प्ट का एवरेज निकल गया। ऐसे बच्चे भी हैं जो पहली बार में इंटरव्यू में आए, सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरा जो तजुर्बा इंटरव्यू का है, लगभग 900,000 बच्चों का इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू बोर्ड्स में बैठता हूँ, कोचिंग्स वगैरह कराती हैं, उसमें मैंने देखा है कि 4 से 5 अटेम्प्ट, 3-4-5 अटेम्प्ट का एवरेज निकल के आता है। इतना वक्त लग ही जाता है अगर आप लगे हुए, और पहली बार में भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मेन पॉइंट होता है वो आप हिम्मत नहीं हारनी होती है। आप जितना ज्यादा, अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कह दूं, आप जितना ज्यादा अपने सब्जेक्ट को बार 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 पढ़ेंगे, उसको बार बार लिखेंगे, और बार बार लिखेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। आप जित और क्रूड भाषा में कह देता हूं, जितना आप रगड़ेंगे उतना आपके होने के चांसेस ज्यादा होते जाएंगे। बस हाँ, पिछली गलतियों से सबक लेना जरूरी होता है। तो इसमें एग्जाम टफ इसलिए हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं किसी स्टेज को हम वीक कर देते हैं, हम पढ़ के उसको लिखते नहीं हैं, टेस्ट सीरीज अटेंड नहीं करते हैं, आंसर्स चेक नहीं कराते, आंसर्स नहीं लिखते हैं। इसलिए आपके पास जरूर कोई ऐसे मेंटर होने चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे पाए, आपके आंसर्स को चेक कर पाए, ये वजह हो जाती है, इस नाते एग्जाम टफ हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम और कैंडिडेट्स फ्रॉम एलीट इंस्टीट्यूशंस क्वालिफाई दिस एग्जाम। एक ये भी होता है कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए हैं, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, उनका सिलेक्शन होता है। जो छोटे छोटे शहरों के छोटे कॉलेज के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, ये भी गलत है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ बता सकता हूँ, मैं इंटरव्यू में तो सारा डेटा सामने होता है, एक एक चीज़ सामने होती है, उसके बेस पे कह सकता हूँ। ऐसी कोई धारणा नहीं है, ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है जहाँ ये प्रूव हो सके कि जो प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत की, उनसे ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, छोटे गाँव से, छोटे स्कूल्स कॉलेजेस से बच्चे नहीं आ पाते हैं, बिल्कुल गलत है। एग्जाम ऐसा है कि अगर आपने राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी विद राइट काइंड ऑफ अप्रोच ली है तो आपका सिलेक्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये धारणा गलत हो जाती है कि एलीट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सब प्रकार के बच्चे, हर कॉलेज के बच्चे आ जाते हैं इसमें। सिलेबस इतना डायनेमिक है कि आपकी जो कॉलेज की एजुकेशन है वो आपको थोड़ा हेल्प कर देगी, लेकिन जो एज लेने की बात है उसमें आपको तैयारी कॉमन सिलेबस में करनी पड़ती है, जहां पर वो जो आपकी विशेषता है वो पीछे रह जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एलीट इंस्टीट्यूशंस है, एनीबडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कॉलेज कैन एस्पायर फॉर दिस कॉम्पिटिशन। ये मैं आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, तथ्य मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन मेरा तजुर्बा बताता है। आप बिल्कुल ये बिल्कुल ना समझें कि आप छोटे एग्जाम कॉलेजेस से हैं तो आपको इस एग्जाम में किसी तरीके की कोई रुकावट है, कोई रुकावट नहीं है आपको, बिल्कुल रुकावट नहीं है, आप आराम से दे सकते हैं। छोटे शहरों के बच्चे नहीं आ सकते, या जिनका हम्बल बैकग्राउंड है, उनको तो गांव में पढ़े हैं,
छोटे शहरों में पढ़े हैं या उनकी ऐसी एजुकेशन नहीं रही, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत सारे बच्चे, ऐसे बच्चों को जानता हूँ, ऐसे बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं, नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, लेकिन ऐसे बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं जहाँ जिनके जो पिताजी हैं वो डेली वेजर हैं, डेली वेजर फॉर्म में लिखा हुआ है, डेली वेजर है, जो उनका डैफ होता है उसमें लिखा हुआ डेली वेजर है। एक बच्चे से पूछा कि उससे इंटरव्यू में बात कर रहे थे तो उसने कहा माई फादर ही जस्ट सेल्स दिस, छोटे छोटे जो स्नैक्स होते हैं, जो ठेला लगा लेते हैं साइड में, उनको बेचते हैं, एंड ही वॉज अपियरिंग फॉर इंटरव्यू लास्ट ईयर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई भी रुकावट नहीं है, ऐसी कोई बैरियर नहीं है जो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड किसी तरीके से आपको हिंडर करे। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ मोटिवेटेड यू आर एंड इन किनके हाथों में आप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। यहां पर पूछा है आपने, यस, भूपेंद्र कुमार ने बोला है वी आर टफर। अब इसी पे मैं आपको छोटी बात बता दूं, जब प्रीलिम्स से पहले बच्चों को बेस्ट विशेस हम दिया करते हैं, तो मैं उसमें जो बच्चों को मैसेज भेजता था उसमें लिख दिया करता था, यूपीएससी हैज सेट ए वेरी टफ पेपर फॉर यू, यूपीएससी ने आपके लिए बहुत टफ पेपर सेट किया है। रदर में लिखता था, यूपीएससी हैज वर्क वेरी हार्ड फॉर यू बट यू हैव वर्क हार्डर, यूपीएससी ने आपके लिए बहुत हार्ड काम किया है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं, बट यू हैव वर्क हार्डर। तो भूपेंद्र कह रहे हैं वी आर टफर, डेफिनेटली यू आर टफर, तो बिल्कुल सही बात है। अब किसी ने पूछा है कि ऋषभ में, हाँ, हैंड राइटिंग की बात आ जाती है। देखिए, हैंड राइटिंग की बात करें तो जरूरी होता है कि जो आपने लिखा है वो सामने वाले की समझ में तो आए। आप एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप वकील साहब हैं, जज साहब के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब आपका जो बात है, जो आपके एक्सप्रेशन है, आपकी लैंग्वेज है, वो जज साहब तक पहुंच ही नहीं रही है। आपकी लैंग्वेज, आपका जो सब्सटेंस है बहुत अच्छा है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो बोलने का तरीका गलत है। तो आपकी जब बात ही नहीं पहुंची है तो अप्रिशिएट कैसे होगी। ठीक है, इसलिए जो आपका एक्सप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नाते आपकी हैंड राइटिंग ऐसी तो हो कि आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने में आ जाए, बिल्कुल समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है। अल्टीमेटली उस हैंड राइटिंग का सब्सटेंस बहुत मैटर करता है। हैंड राइटिंग इज वेरी गुड, ये थोड़ा सा एज दे सकता है, लेकिन सब्सटेंस नहीं है तो मैटर नहीं करेगा। और जो गाइडलाइंस होती है एग्जामिनर्स के पास, उनमें सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं कि किसी ऐसे फीचर से आप गाइड ना हो जो रोल प्ले नहीं करता है सिलेक्शन में। अगर हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, हेडिंग्स बहुत अच्छी बनाई है, ऐसा कुछ किया है, ये ऐसे नॉन फंक्शनल फीचर्स हैं, ये आपको एज नहीं दिला सकते। जितना अच्छा लिखेंगे, सब्सटेंस जितना ज्यादा है, भले हैंड राइटिंग आपकी थोड़ी सी खराब हो, तो हैंड राइटिंग आपको कोई विशेष तौर पे कंपटीशन में फायदा नहीं पहुंचाती है। ठीक है, अगला मिथ यह आ जाता है कि अगला मिथ आ जाता है कि जो एक्सप्रेशन है उसमें हाई क्वालिटी ऑफ इंग्लिश चाहिए होती है। जो आपकी इंग्लिश है वो बहुत हाई क्वालिटी इंग्लिश होनी चाहिए, अंग्रेजी बहुत हाई प्रकार की होनी चाहिए, बहुत कठिन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये मिथ आपकी गलत है। एक्सप्रेशन आपका सिंपल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बल्कि आपका जो पॉइंट है वो फ्लो करना चाहिए। आप जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो फ्लो होना चाहिए। एग्जामिनर, मैंने क्या कहा, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन कब होती है, जब आपने कुछ बात कही और सामने वाले ने रिसीव कर ली। अगर सामने वाले ने रिसीव नहीं किया, रिसीव नहीं हो पाई, तो कम्युनिकेशन नहीं हुई है। सोर्स से सिग्नल चला गया लेकिन रेसिपिएंट के पास नहीं पहुंचा, कम्युनिकेशन नहीं हुई। आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, जितना सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते। लंबे सेंटेंसेस लिखने का मतलब है, कंपाउंड सेंटेंस का लिखने का मतलब है कि आपने शुरू किया, आप खुद डाइग्रेस हो जाएंगे। लंबे सेंटेंस फॉर्म नहीं करते हैं, बहुत डाइग्रेस हो जाएंगे खुद, और दूसरी बात, जिस चीज को लेकर चले हैं उसका मकसद आपका बिल्कुल बिगड़ जाता है। अगली बात आ जाती है किताबों की, बुक्स। एक्सपेंसिव बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, बड़े बड़े जर्नल पढ़ने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं पढ़नी पड़ती हैं, बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ती, बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ती। अगर आपने बेसिक किताबें पढ़ी हैं, हर सब्जेक्ट की जो बेसिक किताबें आपको बताई गई हैं वो बुक्स आपने पढ़ी हैं, उनमें एनसीईआरटीज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। एनसीईआरटीज आपको राइट काइंड ऑफ टीचिंग मिली हुई हो, उसमें आपने अगर
राइट काइंड ऑफ न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बना लिए हैं तो बहुत मैटर करते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर को सही फॉलो कर रहे हैं तो जब न्यूज़पेपर को आप फॉलो करते हैं तो आपसे क्या मिलता है, आपको अपने आर्ग्यूमेंट के लिए एविडेंस मिल जाते हैं, आपके जो आर्ग्यूमेंट हैं उसके लिए आपको एविडेंस मिल जाते हैं। जो मैं बात कहना चाह रहा हूं उसका एक तथ्य है, और जो आप पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिकल इश्यू आपको अखबार में दिख जाती है, वहां से आपको एविडेंस मिल जाता है, आप उसे नोट्स में ले आते हैं, आपका आंसर स्ट्रांग हो जाता है। आपकी बेसिक स्टडी, बेसिक बुक से बहुत ज्यादा किताबें खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। उसमें आपने डायनेमिक सोर्सेस से अगर राइट काइंड ऑफ चीजें फिट कर दी हैं तो आपका आंसर यूपीएससी के लिए सफिशियंट हो जाता है। आपको 250 वर्ड लिखने हैं, 150 वर्ड लिखने हैं, 200 वर्ड लिखने हैं, क्या लिख देंगे उसमें? 250 वर्ड में कोई लिमिटेड ही तो लिखेंगे, लेकिन राइट काइंड ऑफ चीज लिखनी है, राइट काइंड ऑफ चीजें लिखनी है, वो आपको महंगी किताबों में ही ऐसा नहीं होता है। इवन जो राइट काइंड ऑफ आपको सोर्सेस बताए गए हैं, टीचर ने बताया है या न्यूज़पेपर में आया है या एनसीईआरटी बुक्स में या बेसिक बुक्स में है, मोर देन सफिशियंट होता है। आपको उसका एनालिसिस करना आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझको 4 न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, बिल्कुल मत पढ़िए 4 न्यूज़पेपर, 5 न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक न्यूज़पेपर को आप अपना आधार बनाइए। आपके लिए बहुत सारी कोचिंग्स बहुत मेहनत कर रही हैं। आप YouTube पे जाइए या उनकी वेबसाइट्स पे जाइए, किसी एक कोचिंग को पकड़ लीजिए, कोई एक कोचिंग कोई भी हो, उस कोचिंग वो सारी अखबारों की समरी एक पेज पर दे देते हैं। सारे अखबारों की जो मेन समरी होती है, जैसे प्रीलिम्स के लिए हम लोग भी एक सप्लीमेंट निकालते हैं, डेली करंट अफेयर्स प्रेपॉन पर आ जाता है, उसमें जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं 3 पेजेस में हम आपको मेन चीज़ें दे दिया करते हैं। वो मेंस में भी काम आ सकती है, प्रीलिम्स में भी काम, पर हमारा ओरिएंटेशन प्रीलिम्स का उस कंटेंट में ज़्यादा है। किसी भी कोचिंग को पकड़ लीजिए, उस कोचिंग का बस सारी समरी आप अपने नोट्स में ले लेंगे, जो जो समरी, पूरे पूरे नोट्स नहीं, और एक अखबार को आप खुद पढ़ेंगे। इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, हिंदू हो सकता है, ज़्यादा अखबार पढ़ने की नीड नहीं है, उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। एक अखबार और एक पर्टिकुलर ऑथेंटिक सोर्स ऑफ कोचिंग, उसको पकड़ लीजिए, आपका जो डायनेमिक कंटेंट है वो पूरी तरीके से सफिशियंटली आपको मिल जाएगा, ये हो जाता है। ठीक है, अगली बात, नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी बताता हूं, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपकी पढ़ाई नहीं हुई है। आपके पास नोट्स नहीं है, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, आपके पास अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स नहीं है तो आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, आपने फोटोकॉपी करा रखी है तो आपकी पढ़ाई नहीं हुई है। आपके पास नोट्स होने बहुत जरूरी है। अपने हाथ से लिखा हुआ, अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ, उसमें एक कंटेक्स्ट होता है, उसमें एक हिडन मेमोरी होती है। जब मैं अपने हाथ से नोट्स बना रहा होता हूँ, सर पढ़ा रहे होते हैं, मैं नोट्स कॉपी पे लिख रहा होता हूँ, तो जब लिख रहा होता हूँ कॉपी में, उस वर्ड में, उस सेंटेंस में एक हिडन मेमोरी जाती है। मैंने कान से सुना, एनालाइज किया, हाथ से उसे लिखा, मेरे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो उसमें काम करते हैं, तो उसमें एक एम्बेडेड मेमोरी होती है आपके लिखे हुए में। अपने हाथ से लिखा हुआ जल्दी रिकॉल होता है, और उसमें चूंकि एम्बेडेड मेमोरी होती है तो आपको याद करने में आसानी हो जाती है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। इवन इफ टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो नोट्स कैसे बनेंगे मैं आपको बता दूंगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके नोट्स नहीं है उसकी तैयारी नहीं है। मैंने बहुत बड़ी किताब पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने यूट्यूब चैनल को सुन लिया, न्यूज सुन ली, सब कुछ कर लिया, राज्यसभा का मैंने करंट अफेयर्स का प्रोग्राम देख लिया, लेकिन मैंने अगर छोटे छोटे स्नैपेट्स नहीं बनाए, पॉइंट्स नहीं बनाए, तो मेरी वो टॉपिक मेरे लिए तैयार हुआ ही नहीं है। 24 घंटे में 82% तो मैं भूलने वाला हूँ। अगर 24 घंटे में 82% भूल रहा हूँ तो मैं नॉर्मल हूँ, याद रह जाए तो अब नॉर्मल हूँ। अगर मैंने सुना और 24 घंटे में उसे मैंने दोबारा रिवाइज नहीं किया तो इसका मतलब वो 82% चला जाएगा। अगर याद रह जाएगा तो इसका मतलब मैं अबनॉर्मल हूँ, विशेष बात है मेरे अंदर कुछ, तो भूलना बहुत आसान सी बात है। इसलिए अपने हाथ के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नोट्स ज़रूर बनाइए। और ये बता दूँ, चूँकि आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जितनी अच्छी हैबिट्स, कॉम्पिटिशन देने की भी हैबिट्स होती हैं, कॉम्पिटिशन की हैबिट्स होती हैं, जितनी अच्छी हैबिट्स एज एस्पिरेंट आप शुरू में बना लेंगे वही सस्टेन करेंगे, क्योंकि बैड हैबिट्स डाई हार्ड, जो खराब आदतें होती हैं वो आसानी से जाती नहीं है। तो जितनी हैबिट्स हैं, समय लीजिए, पेशेंस रखिए अपने पास, खूब समय लीजिए, लेकिन शुरुआत बहुत सॉलिड कीजिए ताकि बाद में आसानी हो जाए।
अभी जल्दबाजी करेंगे बाद में समय वेस्ट होगा, फिर वो फायदा नहीं होता है। इसलिए नोट्स बनाइए, धीरे धीरे चलिए, नोट्स बनाते रहिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट्स कैसे बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, पहला चैप्टर पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब मैंने एनसीईआरटी के 8 पेज का डेमोक्रेसी का चैप्टर है और सारे व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखने शुरू कर दिए। ऐसे करते रहेंगे तो फिर बहुत सारे आपको नोट्स बनाने पड़ जाएंगे। ऐसे में चूंकि आप कोचिंग में साथ हैं हमारे, जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो आपके नोट्स हैं। अपने लिए मैं बताता हूँ, मैं बोर्ड पे काफ़ी चीज़ें लिख के पढ़ाता हूँ, ज़्यादातर चीज़ें मैं लिख के पढ़ाता हूँ, उनको आप नोट डाउन करेंगे। हम तेज तेज जाऊँगा तो आप मुझे बताएंगे सर थोड़ा तेज जा रहे हैं, मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगा, आप उनको टेक डाउन करेंगे नोट्स को। ठीक है, इसमें और क्या चेंज करना है बताऊँगा, नोट्स टेक डाउन करेंगे आप, नोट्स आपके बन जाएंगे। मैंने आपको आज पढ़ाया 3 अगस्त को, कोई टॉपिक पढ़ा दिया, आपका एग्जाम 2 मई या जून 2024 में जाकर होगा, हो सकता है उस टॉपिक संबंधित कुछ बदलाव आ गए हो, कुछ चेंजेस हो गए हो। तो जब आपने अपना नोट्स का पेज नंबर 1 है यहाँ पर, तो आप एक तो नोट्स कॉपी पे ना बनाएं, कॉपी पे बनाएं तो उस कॉपी का जो पीछे का पेज है वो जरूर छोड़ दीजिए या बॉटम में कुछ हिस्सा छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने A4 साइज पे एक फाइल बनाई है अपने पॉलिटी के नोट्स की, पेज नंबर 1 है फिर पेज नंबर 2 है, लेकिन मुझे ये पता लगा कि पेज नंबर 1 पे जो आपने मुझको कुछ बातें बताई हैं वहाँ कुछ अखबार के समय से मुझे पता लगा कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, तो मैं यहाँ पर एक पेज नंबर 1A ऐड कर दूंगा। अगर छोटी सी इंफॉर्मेशन है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है तो मैं रेलिवेंट जगह पर उसे ऐड कर दूंगा, अलग से कहीं मत लिखिए, नोट्स में राइट जगह पर वो एंट्री राइट जगह पर कर दीजिए। अगर थोड़ी ज़्यादा है इस पेज को पेज नंबर 1A दे दीजिए और उसी 1 के पीछे से लगा दीजिए, फिर पेज नंबर 2 आ जाएगा। इसलिए जो A4 साइज के जो पेजेस होते हैं उन पर नोट्स बनाना थोड़ा सही रहता है, ताकि मेरे पास एडिशन करने की गुंजाइश हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें डायनेमिक हैं, चेंज होती रहती हैं, तो आप उसमें एडिशन कर सकें। तो नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, टीचर आपको नोट्स का डायरेक्शन दे देते हैं, वो आपको क्लास में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी चीज़ें लिखते जाइए। टीचर बहुत सारी किताबों से पढ़ के आते हैं, उनका तजुर्बा होता है, वो समझते हैं एग्जाम में क्या आता है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब आपको कंटूर्स मिल गए, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, है ना। इस एग्जाम में खास बात क्या है, एग्जाम में जानना बहुत जरूरी है कि मुझे कहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट पे जाना है। मैं किसी भी कोऑर्डिनेट पे, किसी भी एक्सिस लाइन पर अगर लंबा चलता चला जाऊंगा तो दोनों कोऑर्डिनेट्स बाकी मिस हो जाएंगे, तो मेरा जो 360 डिग्री का जो मूवमेंट है वो बहुत लिमिटेड कंटूर्स में होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी पढ़ते चले जाएंगे, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए वो जो लिमिटेशंस हैं, वो जो लिमिट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो आपके टीचर ने आपको क्लासरूम में पढ़ाकर आपको बता दिए, उसमें थोड़ा 10-15% ही आपको ऐड करना पड़ेगा। इतनी हर टीचर हमारे साथ जो पढ़ेंगे आप, उसमें इतना तो आपको बताया जाता है, आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें थोड़ा ही आपको ऐड करना पड़ेगा, बाकी काफ़ी कुछ क्लास में कवर हो जाएगा। कुछ हम आपको जहाँ टिपिकल थ्योरेटिकल टॉपिक है वहाँ हम आपको थोड़े PDF वगैरह दे देंगे, अदरवाइज काफी चीजें हम क्लास में कवर करने वाले हैं। नोट्स आपने बना लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अभिनव सिंह कह रहे हैं कि मैंने 365 PT है वहां से कर लें, बिल्कुल कर लीजिए। मैंने आपको बोला किसी भी एक कोचिंग की एक श्रृंखला पकड़ लीजिए, हर कोचिंग पे मत जाइए, मैं इसको भी देख लूँ, इसको भी देख लूँ, इसको भी देख लूँ, आपका समय वेस्ट होगा। आप सिर्फ एक कोचिंग को, किसी को पकड़ लीजिए, उसके नोट्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपने सोर्सेज पे ट्रस्ट कीजिए, कोई भी कोचिंग हो ट्रस्ट कीजिए, उनका जो 365 आता है या किसी का जो भी आता है उसी में आप प्रीलिम्स के नोट्स से छोटे छोटे पॉइंट वहीं पे बना लीजिए, अपने याद करने के लिए जो टिप्स होती हैं उनको वहाँ इंटीग्रेट कर दीजिए, ताकि आप बार बार उसी चीज़ से रिवाइज कर सकें। तो आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं जो ऑथेंटिक है, है ना, कोई किसी का भी नहीं, ऑथेंटिक सोर्सेज जो 4-5 नाम इंडस्ट्री में हुआ करते हैं उनके नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। रिवीजन की बात करते हैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ लिया, आपके अगर 5 से 6 रिवीजन्स नहीं होते हैं तो आपकी तैयारी नहीं हो रही है, मैं यही कह रहा हूं। अगर आपके 5 to 6 रिवीजन्स नहीं होते हैं तो आपकी तैयारी नहीं हो रही है। जब मैं कह रहा हूं नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, 5 से 6 रिवीजन्स डेफिनेटली आर रिक्वायर्ड। आपके रिवीजन्स सेग्रीगेटेड होने चाहिए, बिल्कुल एक ग्रेजुएटेड होने चाहिए,
कैसे कैसे करेंगे आप, वो आपके अपना अपनी प्लानिंग है, ये किसी इसमें कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने कैसे किया वो मैटर नहीं करता, ये आपकी अपनी ग्रेडेशन है, आप खुद कैसे करते हैं, आपकी अपनी अरेंजमेंट है, उसे आप खुद अपने हिसाब से करिए। आप जो भी लिख रहे हैं उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं करेंगे तो आप उसे रेप्लीकेट नहीं कर पाएंगे, उसे आप वहां पर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो रीडिंग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो रीडिंग मतलब स्टडी, रिवाइज बार बार एंड रिप्रोड्यूस, ये 3 R का गेम है सारा एग्जाम। आप राइट काइंड ऑफ सोर्सेस को रीड करिए, अच्छे टीचरों से पढ़िए, अच्छी जो राइट काइंड ऑफ स्टडी है, रिवाइज करिए बार बार रिवाइज करिए, मतलब प्रैक्टिस हो गई जो मैंने प्रैक्टिस पे बल दिया था, और रिप्रोड्यूस करिए, आप उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने आंसर राइटिंग करेंगे, आपके नंबर अच्छे आने लगेंगे। तो 3 R का खेल है, रीडिंग, रिविजन एंड रिप्रोडक्शन, रिकॉल या रिप्रोडक्शन, इन 3 चीजों पर काम करेंगे तो आप इस एग्जाम में बिल्कुल उस दिशा में और दशा में पहुंच जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यहां ये कह देना कि हर हर व्यक्ति जो ये करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, वैकेंसी 1000 होती है, बट हाँ ये वो तौर तरीके हैं जिनको फॉलो करने से चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इन चीजों को फॉलो करिए, कोई वजह नहीं है कि आप अपने आप को राइटली प्लेस्ड ना पाए इस एग्जाम में। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, राइट काइंड ऑफ रीडिंग, राइट काइंड ऑफ रिविजन एंड राइट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द की टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सभी लोग इसे अपने हिसाब से करते हैं, सभी लोग यही करते हैं, इससे अलग कुछ नहीं होता है। तो ये एग्जाम की बात है, आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत मैंने आपको ये ओरिएंटेशन दिया कि जो बिगनर्स है वो समझ लें कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। जहां तक बुक्स की बात है, न्यूज़पेपर में आपको बताता हूँ, न्यूज़पेपर में आप हिंदू पढ़ लीजिए, हिंदू ठीक अखबार होता है, व्यू पॉइंट आपके टीचर जो आपको बता रहे हैं उससे पता लग जाएगा। सरकार के बहुत खिलाफ नहीं लिखना है और ऐसी बात को भी एंडोर्स नहीं करना है जो 100% गलत है ना। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको जजमेंट कराने के लिए आते हैं, जजमेंटल आपका एनालिटिकल स्किल देखी जाती है, आपका व्यू पॉइंट थोड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए। अल्टीमेटली अ सिविल सर्वेंट इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आप क्यों क्यों ले रही है, आप IPS ऑफिसर बनेंगे, आप IAS ऑफिसर बनेंगे, आप क्या करेंगे, आप गवर्नेंस का वो हाथ हैं, आप शासन का वो हाथ हैं जो आने वाली समस्याओं का हल निकालते हैं। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो बेसिकली केस स्टडीज हैं, वो बेसिकली छोटी छोटी समस्याएं हैं। आप अपने आंसर से ये प्रतिभा दिखा रहे हैं कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हैसियत रखता हूं। तो आप अगर उसको उलझा देंगे, आप एक तरफा आंसर ले लेंगे, एक तरफा उसमें बोलना शुरू कर देंगे, तो आप प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कहाँ कर रहे हैं, है ना। जो कंटेंडिंग पॉइंट्स हैं उनसे एक उनके बीच में सामंजस्य बिठा के आपको तो आंसर देना है, यही तो सिविल सर्वेंट करता है। तो आपका अल्टीमेटली काम यह है कि आपको राइट बैलेंस आंसर लिखना है। तो हिंदू में ये थोड़ा सा ये एक बेंट ऑफ माइंड है, वो थोड़ा सा कई बार ओब्वियसली जो प्रेस का काम होता है, प्रेस क्या करती है, प्रेस सरकार से हमारे बिहाफ पर अकाउंटेबिलिटी लेती है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एंगल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एंगल होता है वो सरकार से जवाबदेही ले। तो प्रेस समाज का आईना होती है एक तरीके से, प्रेस हमारे बिहाफ पे सरकार से पूछती है कि मणिपुर में प्रॉब्लम हो रही है, सरकार ने क्या किया। तो कई बार कुछ ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, सरकार के कुछ एक्शंस को ज्यादा गहराई से क्रिटिसाइज करती है, तो वो उन एंगल को हम छोड़ दें और बैलेंस व्यू उससे बना लें कि हाँ ये पॉइंट ऐसे हैं जहां पर निगेटिव ओरिएंटेशन दिख रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, वो हम नोट कर लें, उसे हल्का सा हल्का कर दें, मॉडरेट कर दें। तो ये आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि मुझे अपने आंसर में क्या लेना है। तो ये ओरिएंटेशन आपका होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर द गवर्नमेंट, प्रॉब्लम बढ़ाने वाले नहीं है, सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये 4-6 बातें मैंने आपको बताई इस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम की आंसर राइटिंग वगैरह पे हम अभी नहीं जाएंगे, हमारे इस कोर्स का वो पहलू नहीं है, प्रीलिम्स पे ज्यादा ध्यान देंगे हम। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है ऋषभ मिश्रा, फाइनल ईयर में आप एग्जाम दे सकते हैं, एज हो गई हो, आपकी एज हो जानी चाहिए जो मिनिमम एज है,
फाइनल ईयर में एग्जाम आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एनी अदर क्वेरी जो मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी क्वेरी आप रेस करना चाहते हो तो प्लीज रेस करिए। अभिनव, ऋषभ मिश्रा, भूपेंद्र, श्रेया रानी, अनमोल आनंद, सौरभ वशिष्ठ, कोई भी आपकी अगर क्वेरी हो तो आप रेस करिए प्लीज। एनी क्वेरी इफ यू आर हैविंग प्लीज रेज। भूपेंद्र, अब आपको अखबार से न्यूज इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, ठीक है। अभी जैसे आप शुरू कर रहे हैं, अभी आप अखबार नहीं पढ़ पाएंगे, अभी अखबार समझ में ही नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो दो काम करने जरूरी होते हैं। अब चूंकि आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो दो काम सबसे पहले करने चाहिए। एक तो पिछले 5-6 साल के क्वेश्चंस देखने चाहिए, पिछले 5 साल में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्या हैं वो देखिए आप जरूर, और सिलेबस क्या है आपका वो देखिए। सिलेबस, और मैं मेंस की बात कर रहा हूं, सिलेबस ऐसा कोई क्वेश्चन मेंस में नहीं आता जो सिलेबस से टच ना हो रहा हो। एज इट इज सिलेबस में मेंशनड फ्रेजेस आपके क्वेश्चंस में आपको लिखे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं प्रीलिम्स और मेंस के, सिलेबस आपको पता है तो उससे वो कंटूर्स डिसाइड हो जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट डिसाइड हो जाते हैं जो वो। तो आप जो न्यूज़पेपर पढ़ने की बात कर रहे हैं वो वहां से डिसाइड होगा। मैंने आपको मान लीजिए पॉलिटी पढ़ाई, मैंने आपको आर्टिकल 21 पढ़ा दिया, तो जब मैंने आर्टिकल 21 आपको पढ़ा दिया तो आपके जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे जाएगी न्यूज़पेपर आपके संपर्क में ज्यादा गहराई से आने लगेगा। अभी तो न्यूज़पेपर आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट से ज्यादा कुछ नहीं है, अभी न्यूज़पेपर आपके लिए इंफॉर्मेशन है। शुरुआत में न्यूज़पेपर आपके लिए इंफॉर्मेशन होता है, वो न्यूज होती है। शुरू में अखबार आपके लिए न्यूज है, उससे विजडम निकालने का काम आप जब पढ़ते चले जाएंगे तो आप उससे विजडम निकालना शुरू कर देंगे। विजडम से मेरा मतलब है जो मेरे एग्जाम में काम आने वाला है। तो अभी आप इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। आपको पिछले क्वेश्चंस का पता है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आप उससे इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देंगे। क्वेश्चंस पता होने चाहिए, आप उसमें आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको एग्जाम के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए जो आपको पिछले साल के क्वेश्चंस और क्लासरूम की टीचिंग देते हैं। शुरुआत में दिक्कत आएगी, जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस करेगी उस सब्जेक्ट की जानकारी आपको होने लगेगी, आपको न्यूज़पेपर में कोई समस्या नहीं आएगी। जो 3-4 घंटे लगते हैं वो कहां सिमट के 1 घंटा रह जाएगा, आप तुरंत समझ जाएंगे वो ये देखना है ये नहीं देखना है। कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर इशू पर लगातार 4 दिन तक टॉपिक आता रहेगा। अब 4 दिन तक उसी अलग अलग ऑथर है उस टॉपिक के, अब मेरे लिए तो वो यूजलेस हो गया ना, मैंने उस टॉपिक को देख लिया मोर और लेस, और अगली बार भी देखा तो मैंने कहा ये तो सब पहले आ चुका है, एक पॉइंट नया है मैं ऐड कर लेता हूँ। तो कई बार न्यूज़पेपर में मैं चूंकि न्यूज़पेपर डेली डील करता हूँ, आप हमारे चूंकि स्टूडेंट हैं आप तो प्रिपॉन के आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहां पर डेली 5 क्वेश्चंस हिंदू से मैं डालता हूँ, उन क्वेश्चंस को मैं ही प्रिपेयर करता हूँ। कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा आपको पर्पज उन क्वेश्चंस का होता है आपको बताने के लिए, बात आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को समझना शुरू कर देंगे तो न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन निकालना आपके लिए दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। आप पढ़ेंगे, आप देखिएगा, पढ़ाई होते होते न्यूज़पेपर से डील करना आप सीख जाएंगे। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, न्यूज़पेपर से आपको न्यूज़पेपर में मेहनत जरूर लगती है लेकिन न्यूज़पेपर के नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। आप एक न्यूज़पेपर को हैंडल कीजिए और एक पर्टिकुलर सोर्स के नोट्स आप देख लीजिए, आपकी बात बन जाएगी। इसलिए आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने से फायदा होता है, उसे अवॉइड मत करिए। एक किसी कोचिंग का सोर्स और एक न्यूज़पेपर आप रीड करिए, शुरू में टाइम लगेगा बाद में अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। एनी अदर थिंग, एनी अदर थिंग, और कोई छोटी सी क्वेरी हो तो बताइए।
पहली बात तो अनमोल, प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू में क्या कहा, एग्जाम टफ है, एग्जाम टफ है। भूपेंद्र ने कहा हम टफर हैं, तो आपको टफ तो होना ही पड़ेगा। एग्जाम का प्रेशर आता है, अगर आपने वो जो पेशेंस वाला पी और पेशेंस प्रैक्टिस वाला पी, उन दोनों को अगर आपने फॉलो किया है, तो जो प्रेशर वाला पी है वो अपने आप गायब हो जाएगा। पेशेंस एंड प्रैक्टिस विल टेक केयर ऑफ द प्रेशर। आप प्रेशर नहीं आने देंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, पाइलप नहीं होने देंगे, तो अपने आप प्रेशर खत्म हो जाएगा। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर आप पढ़ाई को इकट्ठा करते चले जाएंगे, डिसिप्लिन तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो बात नहीं बनेगी। वो बहुत ज़रूरी है। तो आपका, अगर आप इस तैयारी में आए हैं, आपने 10-12 हज़ार रुपये फीस दी है, तो इसका आपको ये सोच के आए हैं कि मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि ये मैं टाइम पास कर रहा हूँ। आपकी पढ़ाई बहुत हाई क्वालिटी की उम्दा होने वाली है, तो आप सीरियस हो तो इस पढ़ाई को पढ़िएगा। इसलिए आपका डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने आपको बताया, 2-3 अटेम्प्ट का पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेशर आता है, तो प्रेशर ओब्वियसली, आप अगर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, सही दिशा में जाएंगे, तो प्रेशर रिलीज होने लगता है। आएगा प्रेशर, डेफिनेटली आएगा। मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं होता है, मोटिवेशन इंटरनल होता है। मोटिवेशन आपको खुद लाना पड़ेगा, आपकी तैयारी आपका मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन आपको खुद लाना पड़ेगा। मोटिवेशन पे सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब पढ़ेंगे, आप देखेंगे अगर आपकी तैयारी हो रही है, मोटिवेशन अपने आप बिल्डअप होता चलेगा। दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। धीरज सिंह, मेंस के क्वेश्चन की क्लास हम फिर कभी ले लेंगे बेटा, है ना। मेंस के क्वेश्चन की हमारे एक क्लास नहीं है, कभी अलग से मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे इसको हमें बिल्डअप करना चाहिए, कैसे इसे बिल्डअप करना चाहिए, हम कभी डिस्कस कर लेंगे। मेंस आंसर लिखते के लिए कम से कम नॉलेज तो हो हमें सबसे पहले, उसके हिसाब से मेंस आंसर लिखेंगे आप। इसको एक पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको खुद बताऊंगा, और मैं खुद उन बच्चों को भी लेके आऊंगा जो मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, जिनके बहुत अच्छे नंबर, ऐसे में 150 145 नंबर मेंस में उनके 400 395 410 नंबर आए हैं, उनसे भी बात करूंगा। वो आपको थोड़ी गाइडेंस लेके कैसे मेंस का आंसर और बेहतर किया जा सकता है, वो भी इनकॉर्पोरेट हमारे दिमाग में हम आपके लिए करेंगे। अभिनव ने पूछा है कि ज्यादा अटेम्प्ट देने से नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है बोर्ड में। मैं आपको बता दूं, 4-5, 3-4-5 अटेम्प्ट बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। खूब देते हैं लोग, गैप भी कोई दिक्कत नहीं, गैप है तो है, अगर आप खड़े उतर रहे हैं उस चीज पर, तो वो गैप जस्टिफाई हो जाता है। गैप प्रॉब्लम करता है, गैप प्रॉब्लम करता है, बट खूब देखे हैं मैंने, खूब गैप है। 10-10 साल का गैप है। ग्रेजुएशन की थी 2014 में, 2023 में सिलेक्शन हुआ है रैंक के साथ। बीच में कुछ कंटेंट डेवलपमेंट वगैरह, कुछ लिखते हैं डैफ में, मैं कंटेंट डेवलपमेंट करता था, जो सही है नहीं है हम नहीं जानते, बट वो सफिशियंट है। तो वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर ज्यादा बार आप पहुंच रहे हैं, तो ज्यादा बार पहुंचना आपके लिए कोई हिंड्रेंस नहीं है, मैं इतना बता दूं, है ना। आप कई बार इंटरव्यू दे रहे हैं, कई बार में पहुंचे हैं, तो वो निगेटिव पॉइंट नहीं है आपके लिए। आप एक स्टेज में आगे बढ़ बढ़ के पहुंचे हैं, कम से कम वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है। भूपेन्द्र ने बोला है टेक्निकल सब्जेक्ट हम ले ना लें। मैं आपको बता दूं, लास्ट के 2 साल का डेटा आपको मैं देता हूं, सबसे ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स पॉलिटिकल साइंस, पिछले साल भी, इस साल भी। सेकेंड नंबर पर एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस साल सोशियोलॉजी सेकेंड नंबर पर रही, एंथ्रोपोलॉजी थर्ड नंबर पे। उसके बाद जितने हैं वो सब फोर्थ हैं, पब्लिक एड हो, ज्योग्राफी हो, फिलॉसफी हो, पाली लिटरेचर वगैरह हो, वो सब फोर्थ आ जाते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस सबसे ऊपर हैं। जो लोग टेक्निकल सब्जेक्ट लेके देते हैं, कम से कम मैं आपको बता दूं, 30-35-40 बच्चे जो मुझसे टकराए इंटरव्यू में, वो टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ थे, इलेक्ट्रिकल के साथ, मैकेनिकल के साथ, सिविल के साथ। ये मैंने बच्चे देखे, बट नॉट मोर देन 20-30, इससे ज्यादा मुझे याद नहीं आ रहे कि टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हो। टेक्निकल बैकग्राउंड हो सकता है, टेक्निकल ऑप्शनल थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, दैट इज सम वॉट टफर, वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है।
तो अगर आपके पास एक बेटर ऑप्शन है तो आप चूज कर सकते हैं, वरना टेक्निकल से भी लोग देते हैं, सिलेक्ट होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बट टेक्निकल में स्कोर करना, जितना आप किसी और पेपर में स्कोर कर लेंगे, जितना आप टेक्निकल में मेहनत करेंगे, उससे कम मेहनत में आप किसी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। बाकी मेहनत आप जीएस में दे दीजिए, और जीएस के पेपर सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये आपको जीएस में भी हेल्प करती है, तो ये फायदा हो जाता है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट एग्जाम भी दे रहे हैं, तो आप टेक्निकल रख सकते हैं। बट टेक्निकल का सक्सेस रेट, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, उतना अच्छा नहीं है। बहुत से बच्चे इंटरव्यू में नहीं पहुँचते हैं, जो पहुँचते हैं उसके बाद भी सिलेक्शन कम ही होता है। डिस्करेज मत होइएगा। ऋषभ मिश्रा, लॉ लॉ से पिछले 2-3 सालों में मैंने बच्चे बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में। हाँ, लॉ से बच्चे हैं, अच्छे खासे बच्चे इंटरव्यू देते हैं लॉ से, लेकिन हाँ ये कह दूं कि लॉ चौथे नंबर पे ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लॉ दे के भी एग्जाम देते हैं और इंटरव्यू कॉल ले लेते हैं। लॉ इज अ गुड ऑप्शनल, लॉ इज नॉट अ बैड ऑप्शनल, इट इज अ गुड ऑप्शनल। लॉ भी हेल्प करता है आपको, आप लॉ ले, आपका बैकग्राउंड लॉ है, आप बिल्कुल लॉ रखिए, नंबर मिलेंगे आपको, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लॉ ले सकते हैं। अभिनव ने पूछा है कि आप प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस करें। ठीक है, आपके 40 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन तो एकदम सही हो जाते हैं, 80। अगर आज के सिनेरियो को माने, इस साल और पिछले साल को माने, तो आपका 88, 90, 91 पर प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर आप 85 से 90 क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपके 52 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन आने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 स्टेज में आंसर लगाया जाता है। पहले वो क्वेश्चंस लगाए जाते हैं जो आपको आते हैं, अगर आपने सही तैयारी की है, पहली बार में आप 35-36 क्वेश्चंस को टच कर देंगे। अगर आपने पहली बार में 35-36 क्वेश्चन टच कर दिए, तो आपको 48-49 करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से कर लेंगे। ठीक है, किसी भी स्थिति में 100 क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, किसी स्थिति में नहीं करने हैं। पहले वो क्वेश्चंस किए, मैंने पेपर देखा, ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ प्रैक्टिस कराता हूँ अपने बच्चों को, मैं वो बता देता हूँ आपको। पेपर पहले स्कैन किया मैंने, पेपर स्कैन कर लिया, मुझे पता लग गया कि जो पीछे की तरफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा आसान है मेरे लिए, पहले वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। वो आप स्कैन करके देख लेंगे। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आपको आता है, आपने तुरंत उसका ये आंसर लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये बता रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको 2 ये बता रहा है कि ये मुझे इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, उस पर आपने कोई एक मार्क लगा दिया, कुछ भी एक टिक लगा दिया कि यहाँ पे मैं दोबारा आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऐसा है जो आपको बिल्कुल अता पता नहीं है, यहाँ तो वाइल्ड गैस ही करना पड़ेगा, वहां पे आपने 3 टिक लगा दिए। ठीक है, ये आपने अपनी मार्किंग कर ली है। पहली बार में आपने 35 क्वेश्चन कर दिए, 1 घंटे में हो जाएंगे। अगले घंटे में आप वापस आइए, पहले डबल टिक वाले देखिए। डबल टिक वाले वो हैं जो डूएबल हैं, विद लिटिल बिट ऑफ एफर्ट ऑन माई पार्ट, थोड़ा एफर्ट मेरे पार्ट पे होगा, वो डूएबल क्वेश्चन हैं, उनसे मैं एक्सट्रैक्शन कर सकता हूँ, कुछ उससे निकालिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहां मैं कुछ हल्का सा कुछ हिंट मिल जाए, कुछ और मिल जाए जिसे कर सकता हूँ। जो ब्लाइंड होते हैं, ट्रिपल मार्क वाले होते हैं, उन्हें तब तक सॉल्व मत कीजिए जब तक आप उसमें कोई क्लू आपको हल्का सा भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। वाइल्ड गैसिंग पे मत कीजिए, वाइल्ड गैसिंग से आपके नंबर चले जाते हैं। तो जो पहली बार में सही हुए हैं और जो सेकेंड टेक वाले थे, इनको ही अगर आप ठीक से और ये जो मैं टेक करने का तरीका बता रहा हूँ, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे, उस समय भी करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और ये आपके एग्जाम में भी काम आएगा। पहली बार में, दूसरी बार में, फिर मैंने वो, और फिर जब मैं इसको प्रैक्टिस करते समय जब मैं अपना पेपर का एनालाइज करूंगा, तो मैं देखूंगा कि जो वाइल्ड गैस वाला पेपर क्वेश्चन था जो मैंने टिक लगा दिया बट वो गलत निकला, तो मैं सोचूंगा कि मैंने क्या सोच के इसका आंसर लगाया था। ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ एग्जाम में नहीं, क्या सोच के आंसर लगाया था इसको, इसका आंसर मैंने ए सोचा था, आंसर इसका बी निकला, इसका मतलब मेरी रीजनिंग में कहीं प्रॉब्लम थी। रीजनिंग में प्रॉब्लम का सोर्स क्या है? मेरी नोट्स, नोट्स में जाऊंगा, नोट्स में देखूंगा कि शायद मैंने सही समझा नहीं था या मेरे नोट्स में वो बात थी नहीं। अगर इस प्रैक्टिस को करेंगे तो वो जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको वहां पर पता लग जाएंगे, वो इन एनी केस 85-90 इसके आसपास से, इतने कम से कम इतना तो यूपीएससी आपसे करवा ही लेगा। या फिर आप इतना ज्यादा अच्छा हो कि आप पहली बार में 50 क्वेश्चन करके चले आए, आपका काम खत्म हो गया आपको, और ऐसा होता नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी जो है वो 40-42-43 क्वेश्चन एक बार में कर पाते, बहुत अच्छे जो वेटरन्स हो गए हैं, जो प्रीलिम्स एक्सपर्ट हैं, 50-52-55 कर पाना एक बार में, वो
थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाउ टू मेमोराइज मोर डेटा, ऋषभ पूछ रहे हैं, मोर डेटा कैसे एनालाइज किया जाएगा? आप बिल्कुल मेमोराइज मत कीजिए, आप मेमोराइज कर ही नहीं सकते हैं। आपके नोट्स बने हुए हैं, आप उन्हें नोट्स को बार बार देखा है, आपकी पिक्चर मेमोरी में वो दिमाग में चढ़ जाएंगे। जो आपने नोट्स में पढ़ा है उसका आपने आंसर लिखा है, बार बार लिखा है, तो वह डेटा आपको याद हो जाएगा। आप कॉपी लेके बैठे, रटने बैठे, कभी कोई नहीं कर पाया, ना आप कर पाएंगे। आप नोट्स पढ़िए बार बार, आप आंसर लिखिए बार बार, ये सारा डेटा आपकी जबान पे बैठ जाएगा, आपकी टिप्स पे आ जाएगा, आपको मेमोरी मेमोराइज, यही मेमोराइज मेमोराइजेशन है, यही होता है। तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, सारा डेटा आपको डेफिनेटली बार बार नोट्स में आएगा और लिखेंगे सब याद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? एनीथिंग एल्स? ये जो मैंने आपको बताया है एग्जाम के बारे में, बहुत ब्रीफली बताया है, ठीक है, बहुत ब्रीफली थोड़ा डायरेक्शन दे दिया है आपको कि आप जब तैयारी शुरू करें तो इस डायरेक्शन से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक बातें आपको बताई हैं। एक छोटा सा डेटा और शेयर करता हूं आपके साथ, देखिए ये इस साल का जो प्रीलिम्स है उसका बाइफर्केशन है, इस साल का जो प्रीलिम्स है उसका बाइफर्केशन है। पॉलिटी में 15 क्वेश्चंस आए हैं, ये एक जनरल बाइफर्केशन है। ज्योग्राफी में 16 क्वेश्चंस आए हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में 16 क्वेश्चंस आए हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 4 क्वेश्चंस आए हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी में 16 क्वेश्चंस आए हैं, साइंस एंड टेक में 8 आए हैं, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर में 9 आए हैं, करंट अफेयर्स में 12 आए हैं, 4 मिसलेनियस हैं। ये एक बाइफर्केशन इस साल का है, ये वैरी करता रहता है। आप ये मान के चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में 4 आ गए हैं तो आर्ट एंड कल्चर में मेडिवल में बढ़ा दिए, कुल मिला के वो 14-15 क्वेश्चन हो जाते हैं, एवरेज हमारा 14-15 का आ जाता है। कभी कभी कोई सेक्शन ज्यादा एम्फेसाइज हो जाता है, जैसे 2017-18 में, 17 में पॉलिटिक के 23 क्वेश्चन आ गए थे, एक बार 6 भी आ गए थे। एवरेज मान के चलिए कि हम पॉलिटी को लें तो पॉलिटी में आपके 15 क्वेश्चन का एवरेज आता ही आता है। अब आपको 45 क्वेश्चन करने हैं सिलेक्शन लेने के लिए, 45 क्वेश्चन में आपको 15 में से 12 क्वेश्चन ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। आसान सब्जेक्ट है पॉलिटी, आसान सब्जेक्ट है। अगर आपको स्कोर का आधार बनाना है, प्रीलिम्स में स्कोर का आधार बनाना है, तो आपके पॉलिटी बहुत काम आने वाला है। आर्ट एंड कल्चर में कई बार टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अजीब सी किताब से दे देते हैं, लेकिन पॉलिटी कंसेप्चुअल है और आसानी से हो जाती है अगर आपने ठीक से, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, आपने ठीक से क्लास की है, करंट अफेयर्स को कवर किया है, काफी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। 15-16 में से 12 क्वेश्चंस तो आपके कहीं नहीं गए, मतलब 12 में से 40 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन में से आपके अगर 12 क्वेश्चन मिले जा रहे हैं तो 1/4 क्वेश्चन तो आपको पॉलिटी से मिले ही जा रहे हैं जो आपके स्कोर का आधार है। तो पॉलिटी और ज्यादा घंटे नहीं लगते कवर करने में, आसानी से कवर हो जाती है, कंसेप्चुअल है, आसानी से समझ में आ जाती है, आसान सब्जेक्ट है। तो आराम से 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आप आराम से करेंगे, 15 भी कर सकते हैं अगर आपने, लेकिन मान लेते हैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से अजीब से आ जाते हैं तो उन्हें हम छोड़ देते हैं। तो 12 क्वेश्चन तो डुएबल होते ही होते हैं, और 12 क्वेश्चन के लिए हमने अगर ठीक से पढ़ा है, ठीक से प्रैक्टिस की है, तो वो डुएबल होते हैं। तो हमको पॉलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मेरे स्कोर का आधार पॉलिटी ही बनवाएगा। तो पॉलिटी और जितना हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए अच्छा खासा सफिशियंट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए अब देखिए पॉलिटी की बात करते हैं। बारह से 15 क्वेश्चंस आ गए, 4 टॉपिक्स जो ज्यादा आते हैं एक टॉपिक है प्रीएम्बल, किसी ना किसी प्रकार से आ जाएगा, या तो सीधे आ जाएगा या इनडायरेक्टली आ जाएगा, प्रीएम्बल आ सकता है। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं। अगर 5-7 टॉपिक हैं, अगर आपने इन सारे टॉपिक्स में से 5-6 टॉपिक्स पे अच्छा कमांड कर लिया, आपको पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं,
पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, पार्ट फिफ्थ क्या है, पार्ट सिक्स क्या है, हम सब डिस्कस करेंगे। पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और सीएजीआई, ठीक। अब पार्ट फिफ्थ हो गया, इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से मतलब पार्लियामेंट एक तरीके से हो गया, और ये हो गई भारत सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट फिफ्थ में। पार्लियामेंट ऐसा टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, आप किसी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पार्लियामेंट के क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। करंट में जो इश्यू रेज हो रही होती हैं उनका रिफ्लेक्शन आपको आपके एग्जाम में दिख जाएगा। कोविड का समय चल रहा था, उस समय एक पार्लियामेंट का सेशन हुआ और वो लोकसभा और राज्यसभा को एक बड़े चैम्बर में बिठाया गया और वहां पर सेशन करा दिया गया कोविड के समय में। अब इस पे क्वेश्चन उस साल एक्सपेक्टेड था और आ भी गया कि राष्ट्रपति तय करते हैं कि हाउसेस के सेशन कहाँ बुलाने हैं, किस वक्त बुलाने हैं। तो ज़रूरी नहीं है लोकसभा का सेशन लोकसभा में ही हो, जो चैम्बर बना हुआ है कहीं और भी हो सकता है। आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति तय करते हैं, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में आपके। तो ये जो करंट अफेयर्स में चल रहा होता है, जो अखबार में आ रहा होता है, उससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं और ऑब्वियसली ये चीज़ें चर्चा में रहती हैं। तो एग्जीक्यूटिव जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इनसे क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चंस आपको ना मिले ऐसा होता नहीं है। तो प्रीएम्बल इतना रिकरेंट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने ये 1, 2, 3, 4, 5 ये टॉपिक आपने बखूबी कर लिए हैं, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, पंचायती राज, क्योंकि प्रीलिम्स के सिलेबस में पंचायती राज बाकायदा मेंशन है, तो पंचायती राज से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये बाकी टॉपिक इन जनरल मेंशन है लेकिन पंचायती राज नाम से मेंशन है पंचायती राज। तो आपके ये 6-7 टॉपिक हैं, अगर आपने इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लिया, आपकी पॉलिटी कवर्ड है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। बाकी छोटी छोटी चीजें इधर उधर से आ जाती हैं, कभी इस टॉपिक से इस साल आ गई, अगले टॉपिक से अगले साल आ जाएगी, उसका भी कोई ना कोई कंटेक्स्ट हुआ करता है। ये कोर है पॉलिटी का, अगर हम ये तैयार कर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं तो आपको पूरी पॉलिटी पढ़ाऊंगा, बट मेरा फोकस इन सब्जेक्ट, इन टॉपिक्स की बारीकियों पर ज्यादा रहेगा, ताकि हमारा जो कवरेज है वो सब्सटेंशियल हो जाए और हमारे एग्जाम के क्वेश्चन हमसे ना छूटे। इन पर हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, करंट से जोड़ते हुए पढ़ेंगे, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको, उन डेवलपमेंट्स को इसमें इंटीग्रेट करते हुए हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं, अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। बुक्स की बात करें, ऐसा कोई आपको एस्पिरेंट नहीं मिलेगा जो तैयारी कर रहा हो, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो तैयारी कर रहा हो और वो लक्ष्मीकांत को ना पढ़ता हो। इंडियन पॉलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत एक गाइड है, लक्ष्मीकांत को लिखा गया है जितनी इंपॉर्टेंट किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वी एन शुक्ला, एम पी जैन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स, वहां से निकाल के कंटेंट लाए हैं और एक अच्छा सा कंपाइलेशन बना दिया है। ये बहुत अच्छी किताब है, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन ये जो 1000 पेज की किताब है, लगभग 1000 या 600-700 जो भी पेज हैं, इसको पढ़ने के लिए पहले अगर आप क्लासेस कर लेंगे, सीधे लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ जाएंगे, आपको बहुत समस्या हो जाएगी। आप क्लासेस करिए, क्लासेस के बाद लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपके लक्ष्मीकांत को समझना आसान हो जाएगा। लक्ष्मीकांत ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉलिटी में चुकी होनी चाहिए इसलिए है, लेकिन वो हमारे एग्जाम में पिछले कई सालों में नहीं देखी गई, आ गई हो। तो पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को 10 बार रिवाइज करने से बेहतर है कि आप पहले क्लासेस करिए, क्लासेस में ओरिएंटेशन लीजिए, उसके हिसाब से लक्ष्मीकांत को पढ़ना शुरू कीजिए। लक्ष्मीकांत आपकी 1/4 टाइम में हो जाएगी और आपका ग्रेस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा।
ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, समय कम लगेगा और लक्ष्मीकांत मेरी पकड़ में आ जाएगी। बहुत से लोग आपको ये बता देते हैं कि 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, आप बिल्कुल मत पढ़िए। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आप बिल्कुल मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए। आप क्लास करिए, क्लास करने के बाद जो 2 एनसीईआरटी हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये 2 एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए आप। लेकिन उनको पढ़ने के लिए भी अगर आप क्लास करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मेरा कहने का मतलब है चाहे मैं हिस्ट्री पढ़ाऊं या कुछ पढ़ाऊं आपको, आप क्लास करिए। क्लास के बाद इन किताबों को पढ़ने का जो आउटपुट होगा वो फार बेटर होगा उसके कंपेरिजन में यदि आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी और बाद में आपने क्लासेस करनी शुरू की। टीचर ने आपको बता दिया तो टीचर ने आपको डायरेक्शन दे दिया, उसके बाद डायरेक्शन के साथ आप किताब में जाएंगे तो आप सही चीज निकाल के लाएंगे। आप तो किताब में माइनिंग करने जा रहे हैं, आप तो खोज ही हैं, है ना। पूरी किताब में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी किताब में कुछ कुछ मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे एग्जाम क्लियर करना है तो बहुत बड़ा नॉलेज का कोई देवता नहीं बनना है मुझे। उसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेज में मुझे आइडिया पता लग गया, कुछ चीजें मैंने वहां पढ़ी, एनसीईआरटी को पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो गई और एनसीईआरटी की समझ मेरे आसानी से जो उन्होंने बताई है मुझे समझ में आ जाएगी। तो क्लासेस करते जाएंगे तो एनसीईआरटी भी कवर जाएंगी। 6 की पढ़ू, 7 की पढ़ू, 8 की पढ़ू, कोई पढ़ने की नीड नहीं है आपको। 9, 10th की किताबें हुआ करती हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 एंड 2, आप क्लास करेंगे आसानी से सब समझ में आ जाएगा। कोई भी उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की नीड आपको नहीं है, बस आप ठीक से क्लासेस करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, रिवाइज करते जाइए और फिर देखिए आप आसानी से इसमें ट्रेवल कर पाएंगे, इस जर्नी में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ऋषभ, अब मैं पॉलिटिक्स शुरू करता हूं और पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा, छोटी छोटी टर्म्स समझाऊंगा ताकि आप जब आगे क्लासेस करेंगे तो आपकी समझ में बातें आ जाएं। तो कुछ दो तीन टर्म्स हम दो टर्म्स आज डिस्कस करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो सबसे पहले फ्रेजेस एंड टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, और आपके एग्जाम में डेफिनेटली जो कंसेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन तो कंसेप्ट से ही आते हैं कि द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का चीफ पर्पज क्या होता है, क्यों होता है संविधान, इनमें से रूल ऑफ लॉ कौन सी चीज डिफाइन करती है, इक्वलिटी एक्चुअली मीन्स व्हाट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या हुआ करता है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी आपको डिफाइन हो जाएंगे या मैं कुछ अलग से डिफाइन करके बताऊंगा। तो कुछ हमारे फ्रेजेज हैं, टर्म्स हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, उनको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहले एक शब्द आता है स्टेट। पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले एक शब्द आता है स्टेट। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, वहां लिखा रहता है स्टेट शैल डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये लिखा रहता है। इंडिया सॉफ्ट स्टेट है, इंडिया हार्ड स्टेट है। तो जो स्टेट शब्द होता है इसका तात्पर्य क्या है, क्या है स्टेट? स्टेट एक एंटिटी है, स्टेट एक इनविजिबल एंटिटी है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं क्या, अब मैं जो फीचर्स बताऊंगा तो स्टेट आपके समझ में आने लगेगा। स्टेट की सबसे पहली डेफिनेशन डेफिनेशन होती है कि स्टेट हमेशा सोवरन होनी चाहिए, स्टेट हमेशा सोवरन होनी चाहिए। सबसे पहला फीचर स्टेट का होता है कि स्टेट सोवरन होनी चाहिए, संप्रभुता स्टेट में होनी बहुत जरूरी है। अगर आप सेम भाषा बोलते हैं, आपका सेम कल्चर है, आपकी सेम हिस्ट्री है, लेकिन आप फिर भी आप इंग्लैंड के कंट्रोल में हैं तो आप स्टेट नहीं है। तो स्टेट की सबसे पहली आकांक्षा जो होती है, इच्छा होती है, वो अपने आप को संप्रभुता लाना चाहती है, संप्रभुता होना चाहिए। तो सबसे पहला फीचर होता है सोवरन
वन इज फ्री फ्रॉम, वन इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहर की ताकत मुझे आदेश नहीं दे सकती। बाहर की ताकत मुझे आदेश देगी तो उस आदेश को मानना बाध्य मेरे लिए नहीं है। तो सबसे पहला जो फीचर होता है स्टेट का वो होती है संप्रभुता। अगर संप्रभुता नहीं है, वो किसी बाहरी ताकत के अगर चंगुल में है, किसी के डोमिनेशन में है, तो वो स्टेट नहीं है। तो सबसे पहला फीचर होता है कि वो सोवरन होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अंडर डोमिनेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्सटर्नल बॉडी। इंडिपेंडेंस से पहले इंग्लैंड का क्राउन हमारे ऊपर रूल करता था, तो हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे इंपॉर्टेंट आकांक्षा क्या रही थी कि हम बार बार कहते थे कि हम सोवरन बनना चाहते हैं, हमारे ऊपर किसी और का आधिपत्य ना रहे। तो जब फ्रीडम स्ट्रगल जो लोग लड़ते हैं उनका सबसे पहली आकांक्षा ही ये होती है कि मुझको सबसे पहले सोवरन होना होता है। तो स्टेट की जो पहली फीचर है वो है सोवरन। सोवरन होने के इंप्लीकेशंस क्या है जब मैं प्रीएम्बल पढ़ाऊंगा आपको तो और विस्तार से बताऊंगा, अभी तो हम एक छोटा सा वर्ड डिफाइन कर रहे हैं स्टेट क्या होती है। तो स्टेट का सबसे पहला फीचर है कि वो फुल्ली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। ठीक है, चलो एक्सटर्नल कंट्रोल हूं मैं, एक्सटर्नल कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं है, मैं फ्री हूं। फ्री हूं कहां पर? होनी चाहिए टेरिटरी, एक जमीन का हिस्सा है जो वेल डिफाइंड है, एक जमीन का हिस्सा है जो वेल डिफाइंड है, उस जमीन के हिस्से पर मैं सोवरन हूं। मतलब अगर आपके पास टेरिटरी नहीं है तो भी स्टेट आप नहीं है, आपके पास टेरिटरी नहीं है तो आप स्टेट नहीं है। कौटिल्य ने पॉलिटिकल साइंस में जो अर्थशास्त्र किताब लिखी, जो स्टेट क्राफ्ट पे किताब लिखी अर्थशास्त्र, मौर्यों के समय में एक किताब लिखते हैं अर्थशास्त्र, उसमें कौटिल्य ने एक सप्तंग की थ्योरी दी है। उसमें बोला है सेवन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट, एक राष्ट्र के एक राज्य के सात अंग होते हैं, अगर ये सातों अंग नहीं होंगे स्टेट संपूर्ण नहीं होती। उसमें एक है जनपद, जनपद का मतलब है टेरिटरी। अगर आपके पास एक डिफाइंड टेरिटरी नहीं है तो भी आप स्टेट नहीं है, तो कम से कम एक टेरिटरी हो जहां पर आप सोवरन हो। तो सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपके पास टेरिटरी होनी चाहिए जहां पर आप सोवरन होंगे, बिना टेरिटरी के स्टेट हो ही नहीं सकती है। उस टेरिटरी पे काम करने के लिए आपके पास होने चाहिए इंस्टीट्यूशंस, उस टेरिटरी पे काम करने के लिए आपके पास होने चाहिए कुछ इंस्टीट्यूशंस, वो संस्थाएं, वो संस्थाएं जो है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। वो संस्थाएं ऐसी नहीं है अपने आप खड़ी हो गई हैं, बाकायदा उनको संविधान का एक आधार प्राप्त है, लॉ द्वारा रिकग्नाइज्ड है। जब लॉ द्वारा कोई चीज रिकग्नाइज होती है इसका मतलब है उसके पीछे लोगों का ट्रस्ट भी हुआ करता है। तो वो संस्थाएं हो जो इस टेरिटरी पे उस सोवरेंटी को अप्लाई करके दिखाएंगी। तो अगला जो एलिमेंट होता है स्टेट का वो होता है संस्थाएं होना बहुत जरूरी है, इंस्टीट्यूशंस होने बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो हम सोवरेंटी अप्लाई कैसे करेंगे? इंस्टीट्यूशंस कौन होंगे? जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, राष्ट्रपति हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सीएजी का ऑफिस हो, अटॉर्नी जनरल हो, इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस को बाकायदा कानून का अधिकार प्राप्त है, वो कानूनन रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, उनके पास कानून का अधिकार प्राप्त है। तो अगर इंस्टीट्यूशंस हुआ करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन अपना एग्जीक्यूट करेंगे अपनी सत्ता, अपनी पावर को, और उस पर काम होगा। और इनको लेजिटिमेसी भी है, और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास लेजिटिमेसी है। इसका मतलब है एनी डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन ऑल। लोगों ने ये कह रखा है, लोगों ने ये बता रखा है कि जो भी फैसला आप लेंगे, आप इंस्टीट्यूशन है, आप संस्था है, जो भी फैसला आप लेंगे
इस टेरिटरी के अंदर स्टेट के नाम पर उसको हम मानने को तैयार हैं, हमने आपको ये अधिकार दे रखा है। तो लेजिटिमेसी है, लोगों ने बाकायदा ट्रस्ट आप में दिया हुआ है, लोगों ने आप में विश्वास किया हुआ है कि जो फैसले आप लेंगे उनकी हमारे ऊपर बाध्यता होगी। लोगों की नजरों में वो रिकॉग्नाइज्ड है, उनको रिकॉग्निशन प्राप्त है, उनके पास कानून की बैकिंग है, लेजिटिमेसी भी हुआ करती है। अगर ये चार एलिमेंट मिलने लगे, सोवरन है, टेरिटरी है, उसके पास संस्थाएं हैं, और संस्थाओं लोगों की नजरों में संस्थाओं को वो अधिकार प्राप्त है कि लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं उन संस्थाओं से, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कह देते हैं पॉलिटिकल साइंस में, हम आपको ये अधिकार देते हैं डेमोक्रेटिक वोटिंग के जरिए कि आप जो फैसला लेंगे वो हमारे हित में होगा, उस फैसला हमारे ऊपर लागू होगा, उसे हम मानेंगे, इसे लेजिटिमेसी कह देते हैं। अगर ये चार एलिमेंट मिलने लगे तो हम कहते हैं कि हाँ ये स्टेट हुआ करती है, ये स्टेट हुआ करती है। तो ये चार एलिमेंट देख लीजिए, अगर ये है तो स्टेट हुआ करती है। आप 2 साल पहले या 1 साल पहले क्वेश्चन आया, उसमें चार सेंटेंस दे दिए, एक दिन मैं आपको क्वेश्चन ही बता दूंगा, चार उसमें ऑप्शंस दे दिए, उसमें जो एक ऑप्शन था उसमें यही निकल के आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए स्टेट, इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है स्टेट का। तो जब तक कोई फ्री ही नहीं है, उसके पास जमीन भी है, संस्थाएं भी हैं, लोग संस्थाओं को मान भी रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद तो सरकार भारतीयों की ही बन गई थी, भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो भारतीयों की हो गई, तो मुख्यमंत्री भी भारतीय हुआ करते थे, लोग उनकी बात मानने को तैयार भी हैं, सरकारें भी भारतीयों की हैं, भारत के पास अपनी टेरिटरी भी है, लेकिन भारत सोवरन नहीं है। इसका मतलब भारत उस समय स्टेट की डेफिनेशन में फिट नहीं होता था, क्योंकि हमारे ऊपर किसी बाहरी ताकत का अधिकार हुआ करता था। इसलिए जब भी स्टेट को डिफाइन करेंगे, सबसे पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज सोवरेंटी। अगर संप्रभुता नहीं है तो समझ लीजिए स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हुआ करती है कि स्टेट। ये तो स्टेट की मैंने आपको एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी है। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे और प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो स्टेट के बारे में और चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। अभी तो आप ये मान के चलिए कि स्टेट का जो तीन चार चीजें जो बताई गई हैं, पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत चीजें बताई जाती हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हुआ करती हैं। अगर ये फुलफिल हो रही है तो आप कह सकते हैं ये स्टेट है। ठीक है, अब मैंने कहा स्टेट इनविजिबल होती है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज अ स्टेट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया स्टेट है। अब ये स्टेट एक्ट कैसे करेगी, काम कैसे करेगी, स्टेट के नाम पर जो संस्था काम करती है उसे कहते हैं, स्टेट के नाम पर जो संस्था काम करती है उसे कहते हैं गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे तो गवर्नमेंट का मतलब मान लेते हैं वो लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ऑल, लेकिन यहां मैं गवर्नमेंट को सरकार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। एक संस्था होती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्ट्स इन द नेम ऑफ स्टेट। वो संस्था जो विजिबल है, जो स्टेट के नाम पे काम कर रही है, वो कहलाती है गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के नाम पर एक्ट करती है, भारत सरकार रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम पर एक्ट करती है, तो भारत सरकार क्या है, गवर्नमेंट। तो जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट के नाम पे एक्ट करती है, उसे गवर्नमेंट कह देते हैं, इट एक्ट्स इन द नाम ऑफ, इन द नेम ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट का बेसिकली काम क्या होता है, हम बहुत क्रूर शब्दों में समझें, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझें तो गवर्नमेंट का बेसिकली काम क्या होता है, अगर बहुत छोटे छोटे शब्दों में समझें, गवर्नमेंट गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स पॉलिसी, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट आपके लिए पॉलिसी बनाती है, योजनाएं बनाती है, एक्सटर्नल पॉलिसी भी हो सकती है, इंटरनल पॉलिसी भी हो सकती है, रोजगार की भी हो सकती है, मौसम की भी हो सकती है, एनवायरमेंट की भी हो सकती है, करप्शन की भी हो सकती है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इन जनरल गवर्नमेंट बनाती है पॉलिसी। इस पॉलिसी के मतलब गवर्नमेंट का जो पॉलिसी बनाना है वो तो हो गया गवर्नमेंट का आउटपुट। जो गवर्नमेंट ने आपके लिए पॉलिसी बनाई वो क्या है, वो गवर्नमेंट का आउटपुट है, वो गवर्नमेंट का काम है। एक तरीके से गवर्नमेंट ने आपके लिए पॉलिसी बनाई ताकि आपको उससे फायदा हो जाए।
इस पॉलिसी बनाने का उनको डायरेक्शन कहां से मिलता है? इस पॉलिसी बनाने का डायरेक्शन मिलता है उन्हें वेलफेयर ऑफ पीपल से। हमारे संविधान ने हमको वो दिशाएं बता रखी हैं, उन दिशाओं के तहत अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इज टू डू वेलफेयर ऑफ द पीपल। किसी भी सरकार का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है लोगों का वेलफेयर करना, जो कि बहुत वाइडर टर्म है, लोगों का वेलफेयर करना। लोगों को सजा भी देते हैं तो लोगों का वेलफेयर हो रहा है, ठीक है? तो लोग अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट का लोगों का वेलफेयर है वो बन जाते हैं इनपुट्स। लोगों को रोजगार चाहिए है, इनपुट है। टमाटर महंगा हो गया है, इनपुट है। तुरंत गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेट में मदर डेयरी पर, सफल पर सस्ते टमाटर, मोबाइल वेयर में सस्ते टमाटर देने शुरू कर दिए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, लोगों का वेलफेयर होना था, उन्हें महंगे टमाटर ना मिले। तो लोगों की जो जरूरतें होती हैं, जो लोगों की नीड्स होती हैं, जिनसे लोगों का वेलफेयर होना होता है, वो कहलाते हैं इनपुट। इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट समय समय पर बनाती रहती है पॉलिसी। गवर्नमेंट का पॉलिसी बनाना आउटपुट है, आपका वेलफेयर वो समझते हैं, वो उनके लिए इनपुट हो जाता है। ये गवर्नमेंट का काम है, इनपुट से आइडिया ले और आउटपुट दे दे। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत क्रूर शब्दों में बता रहा हूं आपको, बहुत क्रूर शब्दों में। आगे चलते चले जाएंगे तो ये थोड़ा हल्का हल्का टफ होता चला जाएगा। अभी बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। इतनी बात समझ में आई? ऋषभ, ऋषभ, अभिनव, साशी, एटसेट्रा, इतनी बात समझ में आ गई? हैव यू गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग? आप बताएंगे तो मेरे लिए आसान रहेगा। चलिए ठीक है, अब इनपुट गवर्नमेंट के पास आ गए, गवर्नमेंट ने बना दिया आउटपुट। जो मेरी नीड है उसके हिसाब से पॉलिसी बन गई। गवर्नमेंट का काम करना, आउटपुट देना और मेरी नीड के अनुसार, इसके बीच में होता है एक गैप। ये गैप बिगर है, ये गैप बिगर है। बैड गवर्नेंस, कुशासन, मिस गवर्नेंस, अगर मेरे इनपुट के अनुसार सरकार का आउटपुट नहीं आ रहा है, मेरी नीड के अनुसार सरकार की पॉलिसी नहीं आ रही है, इसका मतलब सरकार सुशासन नहीं कर रही है, सरकार मिस गवर्न कर रही है, या बैड गवर्नेंस है, सही गवर्नेंस नहीं है। और अगर ये गैप मिनिमल है तो इसका मतलब है सरकार कर रही है गुड गवर्नेंस, सरकार कर रही है गुड गवर्नेंस। जितना ये गैप कम होगा, मेरे नीड के अनुसार सरकार की पॉलिसीज बनती जा रही हैं, इसका मतलब है सरकार सुशासन कर रही है। जिससे लोगों का वेलफेयर होना है उसी के हिसाब से पॉलिसी बनती जा रही है, इसका मतलब हो रही है गुड गवर्नेंस। क्लियर? इसका मतलब द होल स्कीम ऑफ थिंग्स इज टू मूव फ्रॉम बैड गवर्नेंस टू गुड गवर्नेंस। जितनी भी स्टेट की इच्छा होती है, जितनी भी स्टेट की कोशिश होती है, जो सरकार है, जो भारत की स्टेट है, उसकी पूरी कोशिश है कि
कैसे इस बैड गवर्नेंस से मूवमेंट गुड गवर्नेंस की तरफ आ जाए, कैसे इस बैड गवर्नेंस की तरफ से मूवमेंट गुड गवर्नेंस की तरफ आ जाए, इसका मतलब है कि यहां होती हैं प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स के निकालने पड़ते हैं सॉल्यूशंस। सरकार जानबूझ के नहीं कर रही है, कई बार सरकार से गलती भी हो जाती है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इनपुट लेने में गलती हो गई, पॉलिसी गलत बन गई। अब पॉलिसी गलत बनने से होती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नहीं हो रहा है ठीक से एग्जीक्यूशन, या प्रॉब्लम अपने आप में खराब है, या प्रॉब्लम बनी ठीक है एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, लोगों तक बात पहुंच नहीं रही है, इसका मतलब आ रही है प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स के निकालने चाहिए सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन निकालने के लिए हुआ करते हैं इंस्टीट्यूशंस। इन सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हुआ करते हैं इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब ये इंस्टीट्यूशंस अगर केपेबल नहीं है, ये संस्थाएं केपेबल नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशंस नहीं मुझे मिलेंगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, इसका मतलब प्रॉब्लम्स रुकी हुई हैं और बढ़ती चली जा रही हैं, इसका मतलब लोगों का वेलफेयर कभी हो नहीं पाएगा। जितने अच्छे इंस्टीट्यूशंस होंगे, जितने अच्छी संस्थाएं होंगी स्टेट के पास, जितनी अच्छी संस्थाएं स्टेट के पास होंगी उतना बेहतर काम करेंगी, जितना बेहतर काम करेंगी उतना लोगों का वेलफेयर होता चला जाएगा। आपका जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, खास तौर से पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, आप उसे देख लीजिएगा, उस पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं आप देख लीजिएगा, उसमें सारी कोशिश यह है कि ये इंस्टीट्यूशंस कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। एथिक्स, इसका मतलब इन संस्थाओं में लोग ऐसे हों जो कॉम्पिटेंट हों। एक तो लोगों की कॉम्पिटेंस का टेक्निकल एंगल है कि वो वेल ट्रेंड है अपनी अपनी पर्टिकुलर ट्रेड में, वो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे लिए गए हैं तो उनको राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग दी गई है, ये तो एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल है उनका एथिकल होना बहुत जरूरी है, करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब इन संस्थाओं में काम करने वाले वेल कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उनकी टेक्निकल एबिलिटी और उनकी एथिकल एबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तभी ये संस्थाएं पक्की हो पाएगी। संस्थाओं का मीनिंग क्या होता है, संस्थाओं का मीनिंग शॉर्ट में समझ लीजिए, संस्था वो होती है जिसमें लोग आते जाएं जाते जाएं, लेकिन संस्था का स्वरूप वही रहता है। संस्था उससे डिफाइन नहीं हो रही है कि मिस्टर एक्स आए हैं तो संस्था ने ये कर दिया, मिस्टर वाई आए हैं तो संस्था ने वो कर दिया, संस्था का अपना करेक्टर होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एक्स बने या मिस्टर वाई बने, उनका जो फैसला देना है वो हमेशा ही फेयर ही होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का करेक्टर है। तो सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हु इज ऑक्यूपाइंग द चेयर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही ऑल्सो एक्ट्स इन ऑल फेयरनेस टू गिव द जस्टिस, राइट। तो संस्थाएं वो होती हैं जो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन संस्था अपना करेक्टर अपना स्वरूप कभी बदलती नहीं। तो संस्थाएं होनी चाहिए ताकि सॉल्यूशन निकल पाए। आपके जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो पूरी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, घूम फिर के पूरी कोशिश होती है कैसे बैड गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की तरफ ले जाएं, चाहे एनवायरमेंट हो चाहे साइंस एंड टेक हो, कैसे साइंस एंड टेक की मदद से एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करा सकते हैं, कैसे एथिकल कंडक्ट हम अच्छा करें ताकि सिविल सर्वेंट्स की परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जाए, करप्शन इंडेक्स पे हमारे देश का नाम काफी आगे आ जाता है, कैसे हम क्या करें, कौन से लॉज हैं, कौन से एक्शन गवर्नमेंट ने लिए हैं जिनसे कुछ फर्क पड़ा है और क्या और करना चाहिए, बेसिकली चाहे वो डोमेन हो या उसमें काम करने वाले लोग हों, इनसे संबंधित काम यदि हम करते हैं संस्थाएं ठीक होती हैं और बैड गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस होती चली जाती है। तो आपकी गवर्नमेंट से दरकार यही रहती है कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली गुड गवर्नेंस कर दे, तो वो होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कितने एंगल होते हैं, कितनी संस्थाएं होती हैं, ये एक अलग बात हो गई। तो गवर्नमेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट के नाम पर काम करती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट। स्टेट इज परमानेंट, गवर्नमेंट इज नॉट परमानेंट। स्टेट इज परमानेंट, गवर्नमेंट इज नॉट परमानेंट। भारतीय स्टेट भारत है लेकिन गवर्नमेंट आती जाती रहती है, स्टेट इज परमानेंट। स्टेट हमेशा गवर्नमेंट के नाम पे काम करती है, तो स्टेट के नाम पे हमेशा गवर्नमेंट काम करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, स्टेट कभी चेंज नहीं होती, स्टेट हमेशा परमानेंट रहती है, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट। ये दो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई आज पॉलिटी की, ठीक है। इसको हम आज यहीं रोकते हैं आपकी क्लास को, कल हम और बहुत सारे टर्म्स वगैरह लेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे ताकि पॉलिटी का आपका एक आधार सा बनना शुरू हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाए। आज मैंने दो टर्म्स बताई हैं आपको, इसमें जो भी आपके समझ में नहीं आया है
आप मुझसे कल पूछेंगे, कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाइए, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, नोट्स आप ज़रूर बनाइए, रिवाइज करिए, और जब मुझे लगेगा सब्सटेंशियल पोर्शन मैंने करा दिया है, मैं समय से पहले आपको टेस्ट अनाउंस कर दूंगा। आपका एक टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट, टॉपिक वाइज आपके जो जो टॉपिक होते चले जाएंगे उसके हिसाब से कुछ टेस्ट आपके लिए जाएंगे, हर सब्जेक्ट में होंगे, उन टेस्ट को आप सॉल्व करेंगे ऑनलाइन मोड में। उसके बाद उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे, और आपसे, और आप चाहें तो उसमें अपना अपॉइंटमेंट लेके टीचर के साथ 1-to-1 भी बात कर सकते हैं, खासतौर से जो परमानेंट टीचर्स हैं, कि सर इस क्वेश्चन में मैंने ये आंसर दिया था, ये आंसर गलत क्यों है।